So let us start with the Paris Olympics. ये तस्वीर dot 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 generated तस्वीर है, बता सकते हो? Exactly, ये AI generated तस्वीर है, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि आपका सामना आज नहीं तो कल एग्जाम में AI संबंधित किसी ना किसी टॉपिक से होने वाला है, याद रखना मेरी बात। जिस तरीके से ये हर जगह पेनिट्रेट होता जा रहा है, देर आर ग्रेट चांसेस कि आपको करंट अफेयर्स, आपको ग्रुप डिस्कशन या फिर आपको मेंस में आंसर राइटिंग के टाइम पे या इंटरव्यू में AI संबंधित बातें जरूर पूछी जाएंगी, याद रखना। एंड स्पेशली अगर आप BSc ग्रेजुएट हैं, स्पेशली अगर आप इंजीनियर हैं, तब तो पोस्टमार्टम ही होगा पूरा कि AI के बारे में आप क्या जानते हो, AI कौन कौन से क्षेत्र में सरकार यूज करने लग गई है और कल को AI का फ्यूचर क्या होगा, समथिंग लाइक दैट। आपको पता है ना, भारत में न्याय व्यवस्था बहुत जल्दी इस पर शिफ्ट हो जाएगी, ये मालूम है कि नहीं? AI के सारे प्रयोग जुडिशियरी के साथ तो चल ही रहे हैं, तो जज साहब बैठे रहेंगे और जज साहब को सारे इनपुट्स AI से मिलेंगे। ये प्रयोग तो बहुत दिन से चल रहा है ना, बहुत जल्दी ये होने वाला है। इसका मतलब AI जजमेंट लेगा नहीं, जजमेंट तो जज साहब ही लेंगे, लेकिन इनपुट्स जो है वो वहां से मिल जाएंगे उनको। ओके, तो ये दिस इज वन ऑफ द AI जनरेटेड इमेजेस। ओके, हाँ, क्या आप लोगों को, जस्ट एक मिनट, और क्या आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पता है? हाल फिलहाल में बड़ा चर्चा में रहा था ये DALL-E, एंड प्रोनाउंस इट विथ अ पॉज, नहीं तो डॉली लगेगा वो। हाँ, इट इज DALL-E, कुछ पता है इसके बारे में? ओके, एनीथिंग दैट यू नो अबाउट दिस? यस, बट क्या है एग्जैक्टली, जानना चाहते हो? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। क्या नाम है सर आपका? कुणाल। तो मान लो कि DALL-E सॉफ्टवेयर को कुणाल ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आई एम सिटिंग ऑन द सी बीच, समुद्र के किनारे में बैठा हूं, ढलती हुई शाम है और सूर्य जो है वो क्षितिज में समा रहा है और समुद्र का पानी ऐसा पीले रंग का नजर आ रहा है, पीछे कोकोनट के पेड़ हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, मैं एक चेयर पे बैठा हूं और हैट पहनी हुई है और वैन गॉग स्टाइल में एक गिटार में बजा रहा हूं, ठीक है? ये आपने DALL-E को बोला, 30 सेकंड के अंदर अंदर एक शानदार, जैसा बोला उतनी खूबसूरत इमेज बनके तैयार हो जाएगी। पेंटिंग और ड्राइंग की दुनिया में क्रांति है ये, क्रांति। जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेंटर और ड्राइंग करने वालों की, क्या कौन सा रंगोली आर्टिस्ट चाहिए ही नहीं, इसको बोलो सीधा निकाल के देगा प्रिंट आउट। तो बहुत आगे तक जा चुका है इन सब चीजों में दुनिया, यानी काफी एडवांस हो चुका है, इसीलिए हो सके ना तो थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड अपडेट्स रखिए। ओके, जरूरी है। चलिए अब आ जाते हैं पेरिस ओलंपिक्स के ऊपर। पेरिस ओलंपिक्स से रिलेटेड कुछ कुछ बातें आपको मैं सबसे पहले समझा देता हूं। पेरिस ओलंपिक्स जो है, ओके, ये ऑब्वियसली इस बार पेरिस में हुए और पेरिस फ्रांस की राजधानी है, हम सबको पता ही है। और हर बार होता यह है कि कोई भी ओलंपिक्स के खेल जब होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सिटी में होते हैं, ठीक है? मैं आपको कुछ क्रूशियल जानकारियां देता जाऊंगा, ये याद रखिएगा, ठीक है? वो किसी एक सिटी में होते हैं, वहां पर एक आप स्टेडियम बनाते हो और मैक्सिमम खेल जो है वो उस जगह पर हो जाते हैं, ठीक है? इस बार जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ वो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चला, 11 अगस्त को इसकी एंडिंग सेरेमनी थी, राइट? सिर्फ फुटबॉल के जितने मैचेस थे वो 16 अलग अलग और एडिशनल जगहों पर हुए। फुटबॉल के मैचेस ऑब्वियसली एक जगह तो नहीं हो सकते सारे के सारे,
इसीलिए उसके लिए कुछ अलग और स्थान चुने गए थे, अदरवाइज पूरा का पूरा ओलंपिक्स एक स्टेडियम में हुआ है जो कि फ्रांस में है। ठीक है, स्टेडियम का नाम वगैरह आपको कोई नहीं पूछेगा, बट इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, आमतौर पे फ्रेंच भाषा में या रोमन लैंग्वेज में इसको ऐसा लिखा जाएगा, सो ये कुछ गिना जाए तो 33 आता है, 33 ओलंपियाड ब्रांड एस पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, यहां पर एक और चीज है गौर फरमाने वाली, उसके लिए थोड़ा सा मुझे इतिहास बताना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। देखो पेरिस ओलंपिक्स की शुरुआत जो है या ओलंपिक्स की शुरुआत जो है वो हुई थी ग्रीस से, ग्रीस जिसे हम हिंदी में यूनान देश भी कहते हैं, एक जमाने में पुराना नाम इनका यूनान देश हुआ करता था। ठीक है, ग्रीस, आपने हॉलीवुड की एक शानदार मूवी देखी है क्या, ट्रॉय? Have you ever seen the movie Troy? T-R-O-Y, Troy. जरूर देखना, जरूर देखना, फ्री में अवेलेबल है, ग्रीस की पूरी सभ्यता के ऊपर है और शानदार मूवी है। खैर, तो ग्रीस एक ऐसा देश है जो कि भूमध्य सागर के बिल्कुल किनारे आता है। ठीक है, आज की ग्रीस की हालत बहुत खस्ता हाल चल रही है। ग्रीस भले यूरोप का एक अच्छा देश है, लेकिन इस समय ग्रीस अपने जबरदस्त क्राइसिस से गुजर रहा है। ग्रीस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी आबादी है मात्र 1 करोड़ और आधा देश 55 साल से ऊपर की एज वाला हो चुका है, यानी आधा देश रिटायरमेंट एज का हो चुका है। तो ग्रीस टेक्निकली पूरा बूढ़ा है, उनके पास किसी तरीके का कुछ अपलिफ्टमेंट है ही नहीं आगे बढ़ने के लिए, राइट? तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ ग्रीस से ये ओलंपिक्स की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि सोल्जर्स अपने आप को फिट रखना चाहते थे, राइट? और हमेशा युद्धाभ्यास चलता रहता था। जब खाली वक्त होता था, ओके, उस समय ये बात समझ में आई कि जब युद्ध नहीं कर रहे हैं तो तब सोल्जर्स को वार्म अप करना चाहिए, और वहां से इस बात की शुरुआत हुई कि नहीं नहीं फिर ओलंपिक्स जैसा कुछ तो खेल होना चाहिए। सोल्जर्स हमेशा अपनी बहादुरी और अपनी शौर्यता को दिखाने के लिए अलग अलग कमाल करते थे। कोई मतलब रस्सी खींच रहा है, कोई बहुत बड़ा पत्थर उठा रहा है। माइलो नाम का एक बहादुर हुआ करता था, उसने तो पूरी भैंस उठा के अपने कंधे पे रख ली थी। यस, ये सच है, राइट? तो इस तरह के कई सारे प्रयोग उस जमाने में सोल्जर्स किया करते थे, और वहां से इस बात की शुरुआत हुई कि क्यों ना फॉर्मली खेलों का ही आयोजन कर दिया जाए और हम प्रॉपरली खेलेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि जब खेलों का आयोजन शुरू हो गया, एक तरीके से जो ओपोनेंट्स थे, जो दुश्मन देश थे, उनमें भी दोस्ती का भाव आने लगा। खेल के नियम सेट किए गए। ये खेल किसी ग्लैडिएटर के खेल की तरह नहीं थे कि आदमी मर ही जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं था। इसमें नियम सेट किए गए और देखते देखते ये ओलंपिक्स की शुरुआत वहां से हुई। दुनिया का सबसे पहला ओलंपिक्स अगर हम कहें तो वो 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस से शुरू हुआ था, ये याद रखिएगा। सबसे पहला ओलंपिक्स जो है वो 1896 में एथेंस में शुरू हुआ था, और एथेंस कहाँ है? एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस। ठीक है, राइट। वहां से लेकर 2024 तक कम से कम 125 साल का इतिहास है ओलंपिक्स का, काफी लंबा इतिहास है। ओलंपिक्स में ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो बताई जा सकती है, जिसमें खिलाड़ियों की हत्याएं भी शामिल हैं। ओके, ज्यूज लोगों को जब मार दिया गया था, ऐसे कई सारे बातें हैं, लेकिन अब उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत है, राइट? बट शुरुआत यहां से हुई थी। खास बात यह है कि वहां से लेकर 2024 तक भारत ने कभी इन खेलों का आयोजन नहीं किया। हमने एशियन गेम्स कराए हैं, हमने कॉमनवेल्थ भी करवाया है, ओलंपिक्स कभी नहीं कराया, और ना हमको कभी मौका मिला। यह भी सच है, हमने नहीं कराया इसका मतलब यह नहीं कि भारत इंटरेस्टेड ही नहीं है, हमें मौका भी नहीं मिला। इसके लिए नॉमिनेशन भरने पड़ते हैं, और नॉमिनेशन के बाद देखा जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपके देश में वो खेल कितने पॉपुलर हैं, और आप स्वयं उस खेलों में कितने ज्यादा प्रतिष्ठित रहे हैं, उस आधार पे बहुत कुछ तय किया जाता है। तो उन सारे ही पैरामीटर्स में भारत अभी बहुत पीछे है। यह सच है कि हमारा कंपटीशन हमसे ही होना चाहिए,
लेकिन अगर दुनिया के मुकाबले देखा जाए बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जबकि चाइना ने बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में ही करवा लिए थे, ओके, लेकिन हम कभी भी नहीं करा पाए। एशिया में अगर देखा जाए तो चाइना है, राइट, उसके अलावा जापान है, और बहुत जल्द अब अगला ओलंपिक्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, वो भी 2032 का होने वाला है, तो उसके लिए वक्त है अभी, ठीक है, बट वो भी एशिया में नहीं है। तो ये एक बेसिक पार्ट रहा, ओके। अब आ जाते हैं इन पांच रिंग्स के ऊपर। ये ओलंपिक्स की इसका एक चिन्ह है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस इज द लोगो ऑफ ओलंपिक्स। आप लोगो समझते हैं ना, है ना, लोगो, तो ये ओलंपिक्स का लोगो है, ठीक है। यहां पर आपको पांच अलग अलग रिंग पांच कलर्स में दिखाई दे रही होंगी। ये पांच रिंग्स दरअसल पांच महाद्वीपों को दर्शाते हैं। दीज आर द फाइव कॉन्टिनेंट्स। हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? डोंट डिसअपॉइंट मी लाइक दिस यार, पांचवी ज्योग्राफी का सवाल पूछ रहा हूं, पांचवी क्लास भूगोल। हां सर, कितने महाद्वीप हैं इस पृथ्वी पर? सात। हां, तो फिर यहां पर पांच दिखाए गए हैं, ओके, तो सात रिंग डाल देते, क्या फर्क पड़ रहा है? अकल लगाइए, दो पार्टिसिपेट नहीं करते, दो मुंह फुला के बैठे हैं, वो लोग कभी नहीं आते। अरे आएंगे कैसे, एक है आर्कटिक एक है अंटार्कटिक, कोई रहता है क्या वहां? इसीलिए पांच। समझ आया, राइट? एक तो आर्कटिक है, कहां वहां बर्फ जंगल झाड़ी में तो कोई रहता ही नहीं है, रशिया के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, राइट, और नीचे दक्षिणी महासागर के आसपास वहां कहां कुछ भी नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, ये दो कॉन्टिनेंट में तो हैबिटेट ही नहीं है कोई रहने वाला, तो जाहिर सी बात है वो इस यहां नहीं दर्शाए जाते, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राइट। ये जो आपको दिख रहा है काइंड ऑफ अ कार्टून कैरेक्टर, फॉर इंडियंस दिस इज लाइक अ कार्टून, ओके, ये दरअसल उनका शुभंकर है। क्या आप शुभंकर का मतलब समझते हैं? हर बार नेशनल गेम्स का, खेलो इंडिया का अपना एक शुभंकर होता है। शुभंकर का बेसिक मतलब होता है कि कोई एक ऐसा चिन्ह जो उस खेल को सिंबोलाइज करने के लिए बनाया जाता है, राइट? आपको एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक्स का शुभंकर, शुभंकर को इंग्लिश में मैस्कट बोला जाता है, मैस्कॉट, मैस्कॉट, ओके, मैं जरा रिलेट करता हूं इसको। अमूल की एड देखी है आपने, तो अमूल की एड में या अमूल के बटर के पैकेट पे आपको एक छोटी सी लड़की फ्रॉक पहनी हुई नजर आती होगी, है ना, अटरली बटरली डिलीशियस अमूल, है ना, ऐसे चेहरे पे थोड़ा सा बटर लगा रहता है, वो उनकी कॉरपोरेट मैस्कट है। होता यह है कि ब्रांड याद नहीं रहता लोगों को, लोग नाम भूल जाते हैं, लेकिन वो चेहरा याद रहता है, इसीलिए उस चेहरे से वो रिलेट कर पाते हैं। जैसे भारत में सीधी सी बात है ना, पार्टी के नाम ही होंगे, लेकिन पार्टी का अगर चिन्ह नहीं होगा राजनीतिक पार्टियों का, तो लोग वोट कैसे देंगे? अनपढ़ आदमी को क्या समझ में आएगा भारतीय जनता पार्टी लिखा है कि कांग्रेस लिखा है, वो तो कमल और पंजा इस तरीके से देख के ही वोट देगा ना। ठीक वैसे ही हम जैसे लोग जो अक्सर ब्रांड्स भूल जाते हैं, उनको वो लोगो, वो शुभंकर याद रहता है। तो हमारे लिए आमतौर पे इस तरह से कंपनियां अपना अपना कोई ना कोई मैस्कॉट बना लेती है। कंपनियां जब ये करती है तो वो कहलाता है कॉरपोरेट मैस्कॉट, ठीक है, कॉरपोरेट मैस्कॉट। एक जमाने में बजाज एलियंस का भी एक सुपर एजेंट हुआ करता था, उसकी एड आती थी, वो सुपर एजेंट आता था और वो बहुत सारी बातें करता था। आपको याद है वोडाफोन में जूजू हुआ करते थे, आज से 8-10 साल पहले वोडाफोन के जूजू हुआ करते थे, वो उनके मैस्कॉट थे। तो वोडाफोन भले दिमाग से उतर जाए, वो जूजू आज भी याद है लोगों को, ये उसका एक पावरफुल कनेक्शन होता है। ठीक वैसे ही अलग अलग गेम्स के लिए हमारे देश में भी ऐसे शुभंकर यूज किए जाते हैं। कभी खेलो इंडिया में हम एक कार्टून वाला हाथी बनाते हैं, उसका नाम है भोलू, तो वो भोलू उसका शुभंकर है, तो वो भोलू हैट पहन के लालटेन लेके खड़ा है टाइप्स। रेलवे वाले खुद ये यूज करते हैं, ठीक है। ये कार्टून कैरेक्टर्स जो होते हैं इनको शुभंकर भी माना जाता है,
एक शुभ चिन्ह भी माना जाता है और इंग्लिश में इनको मैस्कट बोलते हैं। तो जितने भी खेलों के आयोजन होते हैं वहां पर वो देश अपना कोई ना कोई शुभंकर चुन सकता है। तो इन्होंने क्या शुभंकर चुना है? इन्होंने चुना है फ्रीजेस। इसका उच्चारण है फ्रीजेस। मैं एक्चुअली में प्लूरल में बोल रहा हूं, आप चाहो तो फ्रीज भी बोल सकते हो। ओके, फ्रीज, फ्रीजेस। ओके ओके, इंग्लिश में इसका उच्चारण वही है, फ्रीजेस। ओके, अब आप बोलेंगे ये क्या बता रहा है, मतलब क्या ऐसा ट्रायंगल बना दिया है, किस तरह का अजीबोगरीब कार्टून लग रहा है ये। देखिए, आप सबको फ्रांस का थोड़ा सा इतिहास पता है क्या, कि दुनिया की एक बहुत बड़ी क्रांति फ्रांस में हुई थी जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा जाता है, 1791, राइट, जब फ्रांस के राजा लुई 16 की गर्दन काट दी गई थी। पता है आपको, राजा अत्याचार करता था लोगों के ऊपर, लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूलता था, लोग टैक्स दे नहीं पाते थे। तो एक दिन लोगों ने चिढ़कर उसके खिलाफ एक ग्रुप बनाया और ग्रुप का नेता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसने बनाया जैकोबिन क्लब, और उसके बाद उनकी हत्या हुई थी। और उसके दो दिन बाद उसकी वाइफ मैरी एंटोनिएट, उसकी भी हत्या हो गई थी। तो ये सब तो हुआ था, राइट। तो फ्रांस में जो आजादी आई, फ्रांस अपनी गुलामी से निकल पाया, राजा के शासन से मुक्त हो पाया और अपने देश में डेमोक्रेसी ला पाया, उस लिबर्टी की निशानी है ये। और क्योंकि खेल फ्रांस में हुए थे इसीलिए इन्होंने फ्रिजेस चुने। तो आपको एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि ये जो मैस्कट है ये आखिर है क्या, किस चीज की निशानी है। तो ये याद रखना, द स्टाइल ऑफ कैप, ये जो पहन रखा है, वॉज अडॉप्टेड बाय द रिवॉल्यूशनरीज एज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी यानी आजादी, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड हैज बीन अ नेशनल स्टेपल एवर सिंस। और वो एक नेशनल पहनावे की तरह उनके लिए बन गया, जो उस समय के जो क्रांतिकारी थे, है ना, उसके ऊपर। जैसे मैंने बीच में एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा था कि भारत में खाकी का मतलब क्या है। हमारे लिए खाकी सिर्फ यानी एक वर्दी या फिर एक ब्राउन कलर का ड्रेस, ऐसा नहीं है यार। मतलब सॉरी, खाकी बोल रहा हूं यार, खादी बोलना है मुझे, खादी, माफ करना, खादी। तो हमारे लिए खादी यानी सिर्फ एक सिंपल सी कोई एक खादी ग्रामोद्योग से हमने कुछ खरीद लिया, ऐसा नहीं है। इस खादी को एक पोशाक माना जाता है जिसको पहनकर हमारे क्रांतिकारी लड़े थे। आज भले खादी थोड़ा आउट ऑफ फैशन लगता होगा आज की यंग जनरेशन को, लेकिन खादी वो है जिसने अंग्रेजों को खदेड़ा था। तो जितने भी क्रांतिकारी है वो सब खादी पहनते थे। वो एक प्रकार से ब्रिटिश लोगों के साम्राज्य के खिलाफ हमारी उठाई गई एक आवाज थी, तो खादी। तो मान लो खादी के ऊपर हमने कोई एक शुभंकर बना दिया, तो वो हमारे लिए तो बहुत बड़ा मायने रखता है ना। ठीक वैसे ही फ्रेंच लोगों ने ये फ्रिजेस बनाए, याद रहेगा, ये क्लियर है, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं, राइट। इस बार के फ्रेंच ओलंपिक्स में, ओलंपिक गेम्स में, अगर कभी किसी ने पूछ लिया कि टोटल कितने खेल खेले गए, द नंबर इज 45, द टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वर 45, टोटल खेल जो खेले गए वो है 45, ठीक है, राइट। क्या कोई बता सकता है इन 45 में से भारत ने कितने खेलों में पार्टिसिपेट किया? चलो मैं ऑप्शन देता हूं आपको, 30, 35, 42, 40, 30, 35, 42 या 40, 35। कितना आसान है आप लोगों को उल्लू बनाना। भारत ने 16 खेलों में पार्टिसिपेट किया था। इससे ये साबित होता है, पता ना हो तो बेवजह चांस नहीं लेना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी मूर्खों, ऐसा मत करना, हर बार तुक्के थोड़ी सही पड़ते हैं। अरे 35 और 40 खेल में भारत पार्टिसिपेट करता तो चांसेस कितने बढ़ जाते मेडल के। 40 खेलों में तो आज तक के इतिहास में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है भारत ने। और ये तो मैं दावे से कह सकता हूं, मैं तो कभी ओलंपिक्स में गया नहीं, आने वाले 4-5 ओलंपिक्स में भी शायद हमारी टोटल 35 खेलों की ना आए।
यानी आने वाले 15 साल का भी अगर अंदाजा लगाएं, हर 4 साल में एक बार ओलंपिक्स होते हैं, तो उस लिहाज से आगे आने वाले 4 ओलंपिक्स का भी हम अंदाजा लगाएं, तब भी मुझे नहीं लगता कि भारत 20, 25 या 30 खेलों में एक साथ पार्टिसिपेट करेगा। आई पर्सनली बिलीव सो, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से जितना स्लो प्रोग्रेस हो रहा है वो समझ में आता है। ठीक है, तो टोटल 45 खेल जिसमें से हमने पार्टिसिपेट किया 16 में, तो मेडल कितने के लिए हमको मिल सकते थे? एनी हाउ 16 में ही मिल सकते थे। ठीक है, इन 16 में ही हमारे खिलाड़ी थे। ठीक है, हाँ, अगर आपको कभी कोई ये पूछे या आपको डिस्क्रिप्टिव में मेंस में ये लिखने की नौबत आ जाए कि भारत मेडल टैली में इतना नीचे क्यों है, हम क्यों नहीं जीत पाते मेडल, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लिखना वहां पर, अरे भाई दायरा ही कम कर लिया है, टोटल 45 में से तुम आधे खेलों में भी पार्टिसिपेट करते हो क्या, तो आधे मेडल तो वैसे ही तुम्हारे हाथ से गए, तुम आधे के आधे में पार्टिसिपेट करते हो, राइट, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास 16 ही खेल है, सब में थोड़ा ना गोल्ड उठा के ले आओगे। अब अगर मान लो आज के डेट में तुम 16 खेलों में 16 गोल्ड मेडल लेके भी आ गए, तब भी आप टॉप रैंकिंग पे नहीं जा सकते। हालांकि एक खेल में एक ही मेडल नहीं होता, एक खेल में कई सारे राउंड्स होते हैं, तो नंबर ऑफ मेडल्स के चांसेस तो बहुत ज्यादा होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो भारत को सबसे पहले अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। अरे भाई, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुड बी रियली मोर। अब एक बार जरा गौर से देखिए इन खेलों को, देखिए यहां कहीं कबड्डी आपको नजर नहीं आएगा, यहां कहीं खो खो आपको नजर नहीं आएगा, तो भारत के कई नेशनल गेम्स जिनकी अहमियत हमारे देश में है, दुनिया उनको अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करती है। अगर कबड्डी को ओलंपिक्स में स्थान मिल जाए, हमारा एक मेडल तो पक्का है। जाहिर सी बात है, कबड्डी को काफी हमने पनपने का मौका दिया है भारत में। हाँ, क्रिकेट भी नहीं है यहां पर, क्रिकेट क्योंकि काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसके मैचेस कराना यानी फिर अच्छा खासा 15-20 दिन का वक्त चाहिए, कितने सारे राउंड्स हो जाएंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2028 के ओलंपिक से क्रिकेट शामिल हो रहा है, ये पता है ना, 2028 के ओलंपिक से क्रिकेट शामिल हो रहा है, तो चांसेस है कि कुछ नहीं तो कम से कम एक सिल्वर ब्रॉन्ज तो उसमें आ ही जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हाँ, अब जरा ध्यान से देखिए, 3x3 बास्केटबॉल, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ठीक है, स्विमिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, इसमें अपना कोई यही नहीं है, यहां पर अपन नहीं है, बॉक्सिंग, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा चांस रहता है, तो हम बॉक्सिंग में तो रहते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग में हम नहीं है, कैनो स्लैलम, कैनो स्प्रिंट, ओके, इन दोनों में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए। साइकिलिंग, ये जो मुझे सबसे ज्यादा अखाता है भारत के केस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कम से कम 25 से 30 मेडल सिर्फ ये इसमें रहते हैं, साइकिलिंग में हम पार्टिसिपेट ही नहीं करते इसमें। कौन है साइकिलर कोई बताओ, चलो इंडिया के 2-3 बड़े ग्रैंड साइकिलर्स के नाम, हम नहीं करते पार्टिसिपेट। तो भारत में ये खेल पनप नहीं रहे हैं, आप जैसे खेलों में ज्यादा दिलचस्पी लेते ही नहीं है, तो करियर बनाना ही नहीं चाहते लोग, तो ये खेल बड़े अधूरे से रह जाते हैं। समझ में आ रही है बात? उसी तरह से आर्चरी में करते हैं हम पार्टिसिपेट, तीरंदाजी में जस्ट हमारा मेडल मिस हुआ, ये एक अच्छा है जिसमें हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, माउंटेन बाइक साइकिलिंग, पर्वतों के ऊपर जाके, अरे साधारण साइकिलिंग नहीं करते हम। ठीक है, साइकिलिंग रोड, साइकिलिंग ट्रैक, ये भी नहीं कर रहे हैं। डाइविंग, इक्विस्ट्रियन कर रहे हैं, घुड़सवारी उसमें हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम अभी तक मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन अच्छी बात है कि हम वो कर तो रहे हैं, शुरू तो हो चुका है। ठीक है, फेंसिंग, फुटबॉल कुछ नहीं है, फुटबॉल में भी हम कहीं नहीं है, गोल्फ में है लेकिन वक्त लगेगा, भारत में प्रोफेशनल गोल्फर्स हैं ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे यंगस्टर्स भी अब तो इंटरेस्ट लेने लगे हैं, लेकिन आमतौर पर क्या होता है ना, किसी खेल से रिटायर हुआ व्यक्ति फिर अपने दूसरी पारी में ये खेल खेलता है, जैसे कपिल देव एक शानदार गोल्फर है और इंडिया के गोल्फ एसोसिएशन के इस समय वो प्रेसिडेंट भी हैं। तो होता यह है कि अपनी दूसरी पारी में आदमी ये सब चुनता है। ओके, हालांकि मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा, यंगस्टर्स भी हैं जो गोल्फ में जाते हैं। ठीक है, तो गोल्फ ये सब धीरे धीरे भारत में पनपने लगेगा। हैंडबॉल में नहीं है हम, हॉकी में है, जूडो में नहीं है, मैराथन स्विमिंग में भी कहीं नहीं है, मॉडर्न पेंटाथलन में भी नहीं है, रिदमिक जिम्नास्टिक, रोइंग, रग्बी सेवेंस इसमें भी नहीं है। रग्बी वग्बी में तो मतलब
अमेरिका जैसे देश एक तरफा बाजी मारते हैं बिल्कुल। तो ये सब उनके यहाँ बहुत, जैसे अपने यहाँ क्रिकेट है ना उस लेवल पे उसको ओलंपिक्स में स्थान भी है। अब हमारे यहाँ का कबड्डी आप डालेंगे तो हमारे भी चांसेस बढ़ेंगे। तो इसके लिए फिर एक बात आती है कि सर कबड्डी क्यों नहीं है। कबड्डी इसमें शामिल करने के लिए कोई सिक्का नहीं उछाल सकते हैं। कबड्डी इसमें शामिल करने के लिए भारत को लिटरली राजनीतिक तौर पे दबाव डालना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। भारत को यह बताना पड़ेगा कि कितने सारे देश खेल चुका है, उसको ऐड करो। आज नहीं तो कल जब कबड्डी अलग 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 देशों में, ईरान में भी कबड्डी चलती है राइट, तो प्रो कबड्डी अगर आप देखेंगे तो कई सारे फॉरेन के प्लेयर्स हैं। धीरे धीरे जब कबड्डी अच्छा खासा देशों में अपने लगेगा उसका स्थान यहाँ पर आएगा। यहाँ पर कभी कोई आपको बोलेगा कि दुनिया कितनी मतलब पार्शियल करती है, हमारे खेल कुछ नहीं डाले, अपने अपने खेल डाल दिए पूरे, ऐसी कोई बहस में पढ़ना मत, क्योंकि इसके पीछे टेक्निकल लॉजिक होते हैं। कौन सा खेल इसके अंदर जाएगा कौन सा खेल नहीं जाएगा ये चार लोग कमरे में बैठ के तय नहीं करते हैं। कौन सा खेल दुनिया के कई देशों में खेला जाता है उस बेसिस पे उसको स्थान मिलता है। कबड्डी जब धीरे धीरे भारत के बाहर जगह बनाने लगेगा, खो खो भी जब भारत के बाहर जगह बनाने लगेगा, एक समय आएगा कि वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो किसी भी खेल के लिए वो जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सेलिंग में भी हम नहीं है, शूटिंग में है। शूटिंग में हम काफी कुछ कर रहे हैं, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग में भी नहीं है, स्विमिंग में है, टेबल टेनिस है, ताइक्वांडो नहीं, टेनिस में है, ट्रैम्पोलिन में नहीं है, ट्रायथलन, वॉलीबॉल में नहीं, वाटर पोलो में नहीं, वेट लिफ्टिंग है, रेसलिंग है। तो खेल ही प्रॉपरली देखे तो लिमिटेड हो रहे हैं यहाँ पर। और ये एक वजह है कि भारत के पास ओवरऑल पार्टिसिपेशन कम है, पार्टिसिपेशन कम है। तो तुम अगर जितने खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हो सब में तुमने कमाल किया तब भी तुम्हारी झोली में थोड़े से ही मेडल आएंगे। तो ये बड़ी वजह है कि भारत में मेडल की टैली जो है फिलहाल कम है, ठीक है। तो फिर एक बात आती है कि सर ज्यादा से ज्यादा खेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत को क्या करना पड़ेगा, है ना, स्वाभाविक सी बात है। देखिए उसके लिए कोई दूसरा जवाब नहीं है, इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। अब जैसे मैं आते बराबर आपको न्यूज़पेपर के बारे में बता रहा था, एक बात बताओ, मैं क्या हाथ पकड़ के आपको न्यूज़पेपर पढ़वा सकता हूँ? वो मेरे बस में नहीं है। इट इज ओनली ऑन योर अवेयरनेस। हो सकता है किसी को आज फर्क पड़े, हो सकता है किसी को एक अटेम्प्ट गंवाने के बाद फर्क पड़े, और हो सकता है किसी को कभी फर्क ही ना पड़े, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे, जरूरत नहीं है मुझे टाइप्स। तो इट्स ऑल अबाउट द अवेयरनेस, ओके। हाँ, इसमें एक मदद जरूर की जा सकती है कि मैं ये नहीं मानता कि भारत में कोई भी ये खेल खेलना ही नहीं चाहता या सक्षम नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। हमारे आप मौका देंगे तो साइकिलिंग में भी एक से एक धुरंधर निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर सरकारों को सामने आना पड़ेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, अच्छे कॉम्पिटिशन कराने पड़ेंगे, और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको कुछ मतलब मेडल्स, कुछ अच्छे इनाम, उनको कोई ना कोई बख्शीश, इस तरीके की चीजें देके उनको आगे लाना पड़ेगा। तो ये एक है जो गवर्नमेंट खुद से कर सकती है, राइट। बाकी अदरवाइज देखा जाए तो इन खेलों का पनपना ये अपने आप में थोड़ा वक्त लेगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आज 16 खेलों में है, 35 और 40 खेलों में जाने के लिए यहां से एक लंबा वक्त लगेगा, लंबा वक्त, ठीक है। एक और बात जो कि आपको टेक्निकली पता होनी चाहिए वो ये कि हम किसी खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमारे यहाँ के चार लोग, मान लो ये कैनो स्लैलॉन में या BMX साइकिलिंग रेसिंग करना शुरू कर दिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार उनकी टीम कि उनको अगले ओलंपिक्स में भेज देगी? ऐसा होता है क्या? संभव नहीं है भाई। इसके कई सारे नेशनल लेवल पार करने पड़ेंगे, वहां जाने के बाद अलग क्वालिफिकेशन रहेगा, कोई भी मुंह उठा के सीधा वहां जाएगा ऐसा नहीं है ना। तो इन खेलों में जगह देना एक और बात है, जगह देने के बाद उन खेलों का भारत में पनपना एक और बात है, और पनपने के बाद निकलना और वहां जाके क्वालिफाई करना वो एक और बात है, तब जाके आप ओलंपिक्स में खड़े होते हो। ऐसा डायरेक्टली थोड़ी होता है कि बस आप चले गए, हाँ ये इंडिया से इन्होंने टीम भेजी
अब ये खेलेगी, कम ऑन, दैट इज जस्ट पॉसिबल, क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये भी एक वजह है कि इनको एक लंबा वक्त लगेगा, तुरंत नहीं हो सकता ये सब कुछ, ठीक है। सरकार के पास वैसे ही लिमिटेड बजट है, तो सरकार हर एक खेल में तो इक्वल पैसा देगी नहीं। एक और बहुत बड़ा रोना है हमारे देश में, जीतने के बाद ही खिलाड़ी की कदर होती है, उसके संघर्ष के टाइम पे कदर नहीं होती ज्यादा। आज विनेश फोगाट सबके लिए स्पेशल है, तो जब वो यानी सरकार के लिए, सरकार के खिलाफ जब प्रोटेस्ट कर रही थी, जब पुलिस वाले उसको उठा के ले जा रहे थे, तब किसी को उसका नाम याद नहीं आया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। आप उतना छोड़ो, अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान का जैवलिन प्लेयर है जिसने गोल्ड मेडल जीता, अरे भाई मतलब उसको लोकल लोग भी पैसे दे रहे हैं, अब जाके उसकी कहीं कदर हुई है, राइट। तो कोई उसको कार दे रहा है, किसी ने तो उसको गाय बकरियां भी दी है अभी अभी, उसके ससुर जी ने ही शायद, ठीक है, वो भी एक ब्रेकिंग न्यूज बन के आया था। तो अब जाके लोग कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि खेलों का जो बजट है वो थोड़ा सा बढ़ाना जरूरी है, ठीक है। बजट के ऊपर एक अच्छा खासा एनालिसिस मैं आपको दे सकता हूं, जहां पर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ब्रिटेन में एक खिलाड़ी पे कितना खर्च होता है, ऑस्ट्रेलिया में कितना, अमेरिका में कितना और भारत में कितना। जमीन आसमान का अंतर है। आपको अच्छे कोच चाहिए होते हैं, अच्छे स्पोर्ट्स किट चाहिए होती है, अच्छे ट्रैक्स चाहिए होते हैं, डाइट जबरदस्त चाहिए होती है, लेकिन तब भी इस मामले में फिलहाल 2024 के जमाने में, 2020 और 2024 के जमाने में, मैं अब तो सरकार को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा इस मामले में। मतलब आई पर्सनली बिलीव कि हम बढ़िया ही कर रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे। मनु भाकर, विनेश फोगाट, उसके अलावा लक्ष्य सेन है ना, वो पीवी सिंधु, इस तरह के खिलाड़ियों को लिटरली ये बोल दिया था सरकार ने कि आप दुनिया का कोई भी कोच जो आपको पसंद है, जिससे आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, जो आपको लगता है कि इस मिशन में आपके लिए सही रहेगा, आप लीजिए, सरकार खर्चा उठाएगी। अब इससे ज्यादा और क्या कर लेंगे भाई। तो ऐसा नहीं है कि हमने कदर नहीं किया, हमने हम मेडल पाने के बाद अभी जागे हैं। धीरे धीरे भारत में चलन बदल रहा है, यही वजह है कि अब भारत में कम से कम थोड़े बहुत मुट्ठी भर तो मेडल आने लगे हैं, ठीक है। हमारी तुलना एकदम चाइना से नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुट्ठी भर जो मेडल आ रहे हैं वो भी इन प्रयासों के बाद आ रहे हैं। तो किसी भी इस तरह की चीज में अब अगर मान लो तुमको कुछ लिखना पड़ा और अंधाधुंध तुमने सरकार को अगर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, वो गलत होगा। हाँ, पहले की बात और थी, लेकिन अब कम से कम सरकार उसमें एफर्ट लेती है, बजट बहुत बढ़ाया गया है इसका, ओके। उस समय नहीं क्या जब विनेश फोगाट, जब 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला, अगले दिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने विनेश फोगाट के ऊपर टोटल कितना खर्चा किया पार्लियामेंट में सुना दिया, और उसके बाद कई सारे लोगों ने बोला कि ये बताने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, आप क्या साबित करना चाहते हैं। मतलब कोई बाप ये बोलता है क्या कि बेटे को कि तुम्हारे लिए मैंने इतना खर्च किया? अरे किया तो क्या हो गया यार, वो तो खिलाड़ी है, देश की है। तो सरकार ने लिटरली गिनाया कि उसके लिए ये किया, ये किया, ये किया, तो टोटल अभी तक 76 लाख रुपए सिर्फ विनेश फोगाट के ऊपर खर्च हो चुका है। हाँ, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसको दूसरे देश में जाके ट्रेनिंग करना था, ये सीखना था, वो सीखना था, सब मिला के सरकार ने वो बजट पेश किया है। हालांकि सरकार अपना पार्ट क्लियर करना चाहती कि भैया कल को कोई हम पे उंगली ना उठाए कि हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, तो हम तो बता रहे हैं, लेकिन लोगों ने उसको अदरवाइज लिया। और मुझे भी लगता है वो गिनाने की जरूरत ही नहीं, वो देश के लिए मेडल ले आती तो तब भी आप गिनाते क्या बैठ के, ये तो नहीं हो सकता ना। आपने किया किया, ठीक है भाई, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ और इंपॉर्टेंट 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ठीक से देखना चाहिए। इस बार के ओलंपिक्स में कुल मिला के कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया? कुल मिला के 10,500 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 10,500, ठीक है, राइट। यदि कोई आपको पूछे कि इंडिया के कितने थे, तो याद रखना इंडिया के 117 लोगों की टीम भेजी थी हमने, इंडिया से 117 लोगों की टीम भेजी थी, ओके।
और ओलंपिक्स एसोसिएशन की चेयरपर्सन बना के पीटी उषा को भेजा गया था। पीटी उषा जी थी वहां पर एज अ प्रेसिडेंट और उनके साथ 117 लोगों की टीम थी पूरी की पूरी, ठीक है। और उसी समय बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 खिलाड़ी भेजे और हमने 117 भेजे हैं, तो ठीक है, लेकिन मेडल टैली में तो हमसे आगे है, मेडल टैली में तो पाकिस्तान हमसे आगे है ना। उसने एक ही मेडल जीता और वो जीता गोल्ड। ओके, आगे उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये है, अच्छा यहां पर जो आपको दिख रहा है एनओसी, ये एनओसी का मतलब है नेशनल ओलंपिक्स कमेटी। 206 अलग अलग ओलंपिक्स कमेटी से लोग यहां पर आए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि 206 देश कुल मिला के 200 के आसपास ही देश हैं, तो इतना तो नहीं हो सकता, बट इतने सारे अलग अलग ओलंपिक्स एसोसिएशन के लोग इसमें थे, ठीक है। अब आगे देखिए, ओलंपिक्स के खेल कब होते हैं? जो ओलंपिक्स अभी हुए इनको समर ओलंपिक्स बोला जाता है। हाँ, पहले तो ये याद कर रखिएगा, इस तरह के जो ओलंपिक्स होते हैं इनको समर ओलंपिक्स कहा जाता है, माफ करना, समर ओलंपिक्स। और समर ओलंपिक्स आमतौर पे हर 4 साल में एक बार ही होते हैं, ठीक है। तो अगले कब होंगे? 2028, उसके बाद 2032 एंड सो ऑन, ठीक है, राइट। अब देखिए अगले कब होने वाले हैं और कहां होने वाले हैं, ये भी देख लीजिए। 2028 के ओलंपिक्स का कप का नॉमिनेशन हो चुका है और लॉस एंजिल्स को चांस मिलने वाला है अमेरिका। ओके, तो 2028 के ओलंपिक्स, ये 1 मार्क के लिए बिल्कुल पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में कि 2028 के ओलंपिक्स कहां होने वाले हैं, द आंसर इज लॉस एंजिल्स इन अमेरिका, ठीक है। और उसके बाद 2032 के भी तय हो चुके हैं, ये ब्रिस्बेन में होने वाले हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। दोनों ही शहर राजधानियां नहीं हैं, ठीक है, ठीके? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा। ओके, ब्रिस्बेन में होने वाले हैं 2032 के ओलंपिक्स, ठीक है, राइट। अब जिन देशों को होस्टिंग दी जाती है ना, ये देश एनी आप देखोगे तो मेडल टैली में बहुत आगे रहते हैं ये लोग। अमेरिका तो इस बार नंबर 1 ही था, ऑस्ट्रेलिया भी टॉप 10 में है, 4th या 5th नंबर पे ही ऑस्ट्रेलिया, बहुत मेडल जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने भी। ओके, राइट, हाँ। अब देखिए अगला, अगर आप पिछले 4 ओलंपिक्स का थोड़ा सा विवरण ले तो ये भी आपको बैक डेटेड थोड़ा सा पता होना चाहिए। 2012 में लंदन में हुए थे ओलंपिक्स, 2016 में रियो दी जेनेरियो, रियो दी जेनेरियो कहाँ है, एनीवन? यस, इट इज इन ब्राजील। ओके, ब्राजील, लंदन यानी यूके। टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे 2020 में जापान, और पेरिस ओलंपिक्स अभी हुए हैं फ्रांस, ये पता होना चाहिए। ओके, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के दरअसल कब हुए थे, 2021 में, ठीक है। वाई 2021, ऑब्वियसली उस समय कोविड के वजह से नहीं हो पाया था तो वो बाद में कराया गया, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक। आगे देखिए, इन विच ईयर ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1896 एथेंस ग्रीस में स्टार्ट हुए थे ओलंपिक्स, ठीक है, राइट, क्लियर। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है। अब और आगे आ जाते हैं, देखिए आपको कोई ये भी पूछ सकता है कि विंटर ओलंपिक्स भी तो होते हैं, तो क्या चीज है फिर? इसलिए मैंने डायरेक्टली इमेज लाई है आपके लिए, इस इमेज से अंदाजा लगाइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ, विंटर विंटर में होता है, समर समर में होता है, ये लॉजिक नहीं है। विंटर ओलंपिक सिर्फ बर्फ के ऊपर, स्नो के ऊपर ही खेला जाता है, वो विंटर ओलंपिक्स है, तो वो वैसी जगह पर होगी और सारे के सारे खेल वहीं उसी से संबंधित होंगे, समझ में आ गया? तो विंटर ओलंपिक्स में भारत का पार्टिसिपेशन तो और ही खत्म है भाई। आप बताओ मुझे, आइस स्केटिंग वगैरह टाइप के इवेंट्स भारत में कहां ये सब चीजें पनप पाई हैं? भौगोलिक परिस्थिति हमारी वैसी रही ही नहीं कि हमको ये सब कभी करना पड़ा। ओके,
तो जाहिर सी बात है कि विंटर ओलंपिक्स में फिर वंस अगेन भारत का पार्टिसिपेशन बहुत पीछे चला जाता है। तो जो कुछ कमाल होता है वो समर ओलंपिक्स में ही है। ठीक है, ये जो आपको तस्वीर में सामने देख रहे हैं, जानते हैं कौन है? उसेन बोल्ट। ओके, दुनिया का सबसे तेज धावक, अब तो खैर रिटायर हो चुके हैं। इनके पास रिकॉर्ड है 100 मीटर की रेस इन्होंने 9.34 सेकेंड्स में कंप्लीट की थी। मतलब इनको भागते हुए देखना एक स्पेक्टेकुलर व्यू हो सकता है। बिल्कुल, प्रति सेकंड कम से कम 10-10 मीटर की छलांग लगाए, तब तो आदमी टेक्निकली, अगर आप गणित का हिसाब लगाओगे थोड़ा सा, तो एक सेकंड में 10 मीटर जाएगा, तब तो 10 सेकंड में पहुंचेगा 100 मीटर। इस लेवल पे ये दौड़ लेते थे। ओके, यस यस। अब कुछ और अच्छी जानकारी है यहां पर, इनको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, समर और विंटर ओलंपिक्स का पूरा शेड्यूल है हमारे पास, और आपको एग्जाम में बिल्कुल ये पूछा जा सकता है। सो लेट्स हैव अ लुक। 2024 के समर ओलंपिक्स सॉरी पेरिस में हो गए, लेकिन अभी 28 अगस्त से वंस अगेन पेरिस में ही शुरू होने जा रहे हैं समर पैरालंपिक्स। समर पैरालंपिक्स बस अभी शुरू होने जा रहे हैं, तो वो भी कहां हो रहे हैं? पेरिस में ही हो रहे हैं, फ्रांस में हो रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पैरालंपिक्स? पैरालंपिक्स, हाँ, दिव्यांग लोगों के लिए जो ओलंपिक्स होते हैं उन्हें पैरालंपिक्स कहा जाता है। पहले तो ये भी याद रखिए, ठीक है, दिव्यांग लोगों के लिए जितने ओलंपिक्स होते हैं उन्हें पैरालंपिक्स कहा जाता है। सो यू नीड टू नो अबाउट इट। क्लियर? हाँ, तो समर पैरालंपिक्स ये पेरिस में होने वाले हैं 28 अगस्त को। फिर 2026 के विंटर ओलंपिक्स, ठीक है, देखिए समर ओलंपिक्स भी 4 साल में एक बार होते हैं, विंटर ओलंपिक्स भी 4 साल में एक बार होते हैं। तो अभी विंटर ओलंपिक्स 2026 में होने वाले हैं, तो वो होने वाले हैं मिलान और कोर्टिना दी एम्पेजो नाम का एक शहर है इटली में। ये दोनों ही शहर इटली में है, वहां पर होने वाले हैं 2026 के विंटर ओलंपिक्स। ठीक है, उसके बाद 2028 में, जैसा कि हमने अभी अभी देखा, 2028 में समर ओलंपिक्स होंगे, तो वो लॉस एंजिल्स में होंगे यूएस में। 2030 में, अब 26 के बाद सीधा 30 में, तो 30 में क्या होगा, ध्यान से देखिए, 30 में विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स एक साथ होने वाला है। विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स एक साथ होने वाला है फ्रेंच एप्स 2030 में। अब ये एप्स का मतलब क्या होता है? पर्वत, पर्वत, ओके, पर्वतों की श्रृंखला को एप्स बोला जाता है। एप्स, इटली लाइज बिहाइंड द एप्स, ओके, पर्वतों के पीछे इटली देश है। तो फ्रेंच एप्स में, उन माउंटेन्स पे होने वाला है 2030 में। ओके, उसके बाद 2032 आते आते फिर समर वाले 4 साल हो चुके होंगे, तो समर ओलंपिक्स कराने पड़ेंगे, वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, जो कि हमने देखा। और फिर 2034 में, 30 के बाद 34 में फिर से ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स एक साथ होंगे, तो इस बार वो सॉल्ट लेक सिटी में होंगे, यूटा नाम के एक राज्य में जो कि अमेरिका में है। भारत में जैसे 28 राज्य हैं, अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, उनका एक स्टेट है यूटा, और यूटा में सॉल्ट लेक सिटी में 2034 में ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स होने वाला है। ठीक है, ये शेड्यूल याद रखना, इसके ऊपर 100% आपको एग्जाम में 1-1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? यस, आगे बढ़े। इसको थोड़ा साइड करो, क्या देखने में तकलीफ हो रही? यस, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, एक बार जरा यस सर नो सर कुछ बोल दीजिए। कैन यू कंफर्म मी इन द चैट कमेंट्स? डन।
राइट, आगे आइए, ये देखिए, ये है मेडल टैली, फाइनल मेडल टैली। ओके, मेडल टैली में बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि टोटल नंबर ऑफ मेडल्स के ऊपर ये टैली कभी नहीं होती, ये टैली हमेशा होती है गोल्ड के हिसाब से। जिस देश को सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मिले टैली में हमेशा सबसे आगे रहेगा, यही नियम है। और यही वजह है कि 6 मेडल लाने के बावजूद भारत पाकिस्तान से पीछे है, क्योंकि पाकिस्तान ने गोल्ड ले लिया। मैं वही देख रहा था कि अगर भारत को जितने मेडल मिले हैं सो मिले हैं, लेकिन अगर भारत को एक गोल्ड मिल जाता तो हमारी रैंकिंग कहाँ होती। मैं वो चेक कर रहा था तो मुझे लगता है भारत का स्थान 38 या 39 पोजीशन पे आ जाता सीधे, अगर एक गोल्ड ले आता कोई, नीरज चोपड़ा या विनेश फोगाट जो भी। तो अभी कितना है, अभी हम 71st रैंक पर हैं। तो एक गोल्ड लाते सीधा आधी छलांग मार लेते हम, 50% कवर हो जाता सिर्फ एक गोल्ड से। तो ये सारी रैंकिंग किस पे निकलती है, गोल्ड पे, ठीक है। भारत का स्थान रहा 71st और टोटल मेडल कितने मिले हैं भारत को, 6, जिसमें से 5 कांस्य पदक है ब्रोंज और एक सिल्वर है रजत पदक, ठीक है, राइट। अब टॉप 10 देशों का जरा हिसाब किताब देखिए, मतलब बहुत समझ में आएगा दिल्ली कितनी दूर है अपने लिए। अमेरिका, भाई साहब 40 गोल्ड मेडल, भारत के आज तक के ओलंपिक्स इतिहास में हमारे पास 40 गोल्ड नहीं है, जितने उनको एक बार में मिल जाते हैं। अमेरिका का एक तैराक रहा है, अब तो रिटायर हो गया, माइकल फेल्प्स, आप कभी गूगल में सर्च करना इस बंदे को, माइकल फेल्प्स, दुनिया के सबसे शानदार स्विमर्स में से एक रहा है। इस अकेले के पास 28 मेडल्स हैं, अकेले बंदे के पास 28 मेडल्स, यस यस। अच्छा, ऐसा नहीं कि गोल्ड ले गए, और सिल्वर में भी उतनी टोटल है भाई, 40, 44, 42, अच्छा खासा। अब देखो मैं जो बात कर रहा था वही, आपको क्या लगता, जिस खेल में जाते हैं बस ये फर्स्ट आ जाते हैं, अरे नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, मैं जो शुरू में बोल दी ना था, तुमको क्या लगता है ये भी हमारी तरह 16 खेलों में पार्टिसिपेट किया इन्होंने, नो, इन्होंने कम से कम 45 में से 40 खेलों में भाग लिया होगा, तब जाके टोटल आई है। तो 45 में से 40 खेलों में कैसे भाग ले पाए, गेम अवेयरनेस, इनके यहां हर खेलों का अपना एक महत्व है। हालांकि अमेरिका में भी रग्बी, अमेरिका में बेसबॉल दीवानेपन की हद तक खेलते हैं लोग, अपने यहाँ जैसे क्रिकेट मैचेस में स्टेडियम फुल होते हैं, अमेरिका में बेसबॉल का मैच हो लड़ाइयाँ हो जाती है लिटरली स्टेडियम में। तो उनके यहाँ भी है दीवानापन है 2-3 खेलों को लेकर, लेकिन बाय एंड लार्ज गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है अलग अलग खेलों में, और उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, सरकार देती है पैसा तो लोग करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 40 गोल्ड मेडल, ओके, कोई कसर ही नहीं छोड़ी है। मैं गुडियर नाम की कंपनी में काम किया करता था, गुडियर टायर्स, टायर बनाती है ये कंपनी, इट्स एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी। तो मेरी कंपनी के कई लोग हैं ना टायर की ट्रेनिंग के लिए पोलैंडियन नाम की एक जगह पर जो कि चाइना में है वहां जाया करते थे। तो वो बताते थे कि जैसे सवेरे उठो चाइना में तो सिर्फ आपको मैदान भरे हुए मिलेंगे, सिर्फ खेलते हुए ही बच्चे नजर आते हैं। तो स्पोर्ट्स के प्रति जो अवेयरनेस है ना वो एक अलग ही लेवल पे जा चुका है लिटरली। आज भी भारत में ऐसे कई माँ बाप हैं जो कि ये अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि खेल कूदों में करियर बनता है। आगे हम जब समस्याओं की बात करेंगे ना, आपको पता है ना एक लाइन चला करती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। मैं चैलेंज करता हूं आज के डेट में कोई मंत्री अपने भाषण में बोल के दिखाए, इतने जाएंगे ना पागल तो नहीं हो गया ये मंत्री, क्या बकवास कर रहा है, कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं करेगा। क्योंकि स्पोर्ट्स की कदर अब स्पोर्ट्स में करियर बनते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, क्या खराब, कुछ नहीं, स्पोर्ट्स में जितनी जान लगानी पड़ती है उसको कहीं से भी यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी के बाद ही समझा, ये स्वाभाविक सी बात है। अब तो मैं सोच भी नहीं सकता, एक एक मैं जब स्कूल में हुआ करता था उन दिनों
एक सुविचार हमारे दीवार पे स्कूल के असेंबली में लिखा रहता था कि हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज के डेट में ये सुविचार गायब हो चुका है। मैं देखता ही नहीं कोई अच्छे जानकार लोग इस तरह के सुविचार बोलते ही नहीं है। हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट मजाक है। इनफैक्ट हेल्थ के लिए लोग इतने पागल हुए पड़े हैं, 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया तो देखो क्या हाल हो गया, वो रात भर प्रैक्टिस करती रही हेल्थ के वजह से। तो सब कुछ है ये कंप्लीटली, इसीलिए हेल्थ स्पोर्ट्स इसका अवेयरनेस तो अब नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। तो कहीं ना कहीं भारत को इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, जापान 20 मेडल्स, देखियो फर्स्ट और सेकंड के बाद देखो एकदम से टोटल कम हो गई, एकदम आधे पे ही आ गया है सीधे सीधे, 40 के बाद सीधा 20, उसके बाद 18, 16, 15 और फिर नीचे जाओगे तो 1, 2, 3 ऐसे ही है। तो टॉप 10 में आपको यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नेदरलैंड, ब्रिटेन, कोरिया, इटली और जर्मनी दिखेंगे। यहां पर कमाल का एक जो देश मुझे नजर आता है जो टॉप 10 में मतलब काफी बड़ा स्थान बना पाया है वो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया के बाद। नन्ना सा देश है, एशिया का है, लगभग लगभग भारत जैसा डेवलपमेंट है, हालांकि हमसे थोड़े ज्यादा पर कैपिटा इनकम में है, बट देन दिस इज अमेजिंग। बाकी तो सब मैं मान सकता हूं कि ये तो पहले से ही डेवलप्ड कंट्री रहे हैं, धुरंधर रहे, चैंपियंस रहे हैं, बट कोरिया मतलब सिग्निफिकेंटली आगे निकला इन सब मामलों में, बहुत आगे निकल गया है। ओके, सेम इज द केस विद इटली ऑल्सो विद 12, 13, 15 एंड टोटल अ टैली ऑफ 40 मेडल्स। ओके, अमेजिंग अमेजिंग, राइट, आगे बढ़ते हैं। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत ने टोटल 117 इंडियन एथलीट्स को भेजा था, ठीक है, कुल मिला के, और भारत ने 6 मेडल जीते जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज मिले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि किसने क्या क्या जीता तो उसका भी एक बहुत अच्छा यहाँ पर कंप्लीट मैंने एक एनालिसिस लाया है, ये तो सरकारी पार्ट ही है, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, उसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया है तो ये देख सकते हो आप, ये याद रखिएगा, आपको ये पूछा जा सकता है, हाँ इवेंट और स्पोर्ट पूछा जा सकता है बिल्कुल। मनु भाकर पहला मेडल इन्होंने ही दिलवाया था भारत को इस बार, वुमन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग और प्राप्त किया था ब्रोंज। ठीक है, उसके बाद मनु भाकर और सरबजोत का मिक्स हुआ था, उसमें मिक्स्ड टीम में भी 10 मीटर एयर पिस्टल, इसमें भी शूटिंग और इसमें भी ब्रोंज। ठीक है, उसके बाद स्वप्निल कुसड़े, ये महाराष्ट्र के हैं, इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस, इन्होंने भी शूटिंग में ब्रोंज हासिल किया। तो देखिए 6 में से 3 तो सिर्फ शूटिंग में ही आए हैं, इसीलिए भारत के मतलब है ना एक जैसे स्पोर्ट्स पनप रहे हैं, बस वैरायटी बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही है। ठीक है, उसी तरीके से टीम इंडिया मेंस इवेंट हॉकी में ब्रोंज लाए, और इस बार हॉकी ने लगातार दूसरी बार ब्रोंज लाया है, हमको टोक्यो में भी ब्रोंज ही मिला था तो इस बार भी ब्रोंज ही मिला। ओके, उसके बाद फिर नीरज चोपड़ा मेंस जेवलिन थ्रो एथलेटिक्स सिल्वर। ठीक है, नीरज चोपड़ा की जहां तक बात की जाए, नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड अगर देखा जाए टोक्यो ओलंपिक से लेकर अभी तक का पिछले 4 साल का रिकॉर्ड, ध्यान से सुनना इसको, नीरज चोपड़ा एक भी कंपटीशन नहीं हारे हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2021 से लेकर अभी तक का, और हर बार गोल्ड उठाया है भाई साहब, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें भी गोल्ड लेके आ गए, सब में लाइन से। तो होता क्या है ना, आप ओलंपिक्स के मैचेस देखते थे या नहीं मुझे ईमानदारी से बताना, जब ये लाइव आ रहे थे तो आप देखते भी थे? नाउ दिस इज व्हाट द अवेयरनेस इज, हमारे यहां वही तो प्रॉब्लम है ना, लोगों को ये सब बड़ा बोर होता है, देखना चाहिए। ओके, तो अगर आप पागलपना है, क्रिकेट और बॉलीवुड के अलावा इन लोगों की याद हमको 4 साल में एक बार ही तो आती है, और क्या, तो ही चीजें चलती हैं, कुछ नहीं। तो अगर आप, यानी मैंने वो लाइव मैचेस देखे थे विनेश फोगाट के भी और ये इसके नीरज चोपड़ा के भी, तो मेरे यहाँ थोड़ा सा ये करंट अफेयर्स के चलते थोड़ा सा एक माहौल बन जाता है घर में, तो हम लोग देखते थे। तो नीरज चोपड़ा, जैसे आप जब मैच शुरू होता है ना तो नीचे सारे प्लेयर्स के नाम आते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, तो नीरज चोपड़ा तो पहले ही राउंड में क्वालिफाई कर गया, 89 मीटर फेंका था उसने।
तो वहां पर है ना एक एस बी और एक पी बी, ऐसे दो स्कोर कार्ड रहते हैं, पी बी और एस बी। इसका मतलब होता है सीजन्स बेस्ट और पर्सनल बेस्ट। तुम्हारा पर्सनल बेस्ट कितना मीटर है और सीजन बेस्ट कितना मीटर है। तो नीरज चोपड़ा का सीजन्स बेस्ट, वो तो सारे जैवलिन प्लेयर से एक तरफा आ गया है, वो एक तरफा। तो इतना तो पक्का था कि नीरज एक मेडल तो लाएगा ही, बट हमारी उम्मीदें इतनी ज्यादा रहती कि हमको लगा गोल्ड ही लाएगा, भाई कभी हारा ही नहीं है ये, ठीक है। लेकिन ना वहां, सच में बता रहा हूं, अब आज इस बात का कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास, लेकिन उस समय जो पाकिस्तान का अरशद नदीम था ना, वो चौथे रैंक पर था, और उसका पर्सनल बेस्ट, उसका खुद का बेस्ट, वो नीरज चोपड़ा से ज्यादा था, तब भी ज्यादा था, उसने 90 फेंका था उस समय। तो मैं ना वो थोड़ा सा देख रहा था कि अरे यार, इसका पर्सनल बेस्ट तो नीरज से भी अच्छा है यार, सही है, कर सकता है। एंड देन मैच हुआ, एंड देन ही मेड 92। आज भी आप YouTube पे जाके इन दोनों को जैवलिन फेंकते हुए वो 10 सेकंड का वो दृश्य देखिए, मतलब इट इज स्पेक्टेकुलर। एक खिलाड़ी अपनी जान लगा देता है उतना करने के लिए, और वो जो फेंकते हैं वो लोग, और उसके बाद वो जो जहां जिस पॉइंट पे वो जाके वो भाला गिरेगा, आई मीन अपने आप में एक 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 जगह से रिकॉर्ड बनते चले जाते हैं। अच्छी बात यह है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही एशिया भूखंड से आ गए, और इंडिया पाकिस्तान रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात है, अरशद डिजर्व करता है बिल्कुल। 92.2 कोई मजाक नहीं है यार, 92 मीटर फेंक लेना, यानी इट्स वेरी बिग। समझ में आ गया था इसने, हाँ कमाल कर ही दिया है लिटरली। ओके, नीरज भी कोई कम नहीं है, नीरज इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब आप खुद सोचो, ये लोग अपनी डाइट, अपनी प्रैक्टिस, क्या क्या नहीं करते होंगे। एक गौतम गंभीर इंडिया टीम का कोच, वो जब टीवी पे आके ये बोल सकता है कि मैंने मेरे जिंदगी में कभी चाय कॉफी तक नहीं पी, शराब पीना तो दूर की बात, मैं चाय कॉफी तक नहीं पीता, तो वो क्रिकेट जैसे खेल में अगर इतना कर रहा है, तो ये लोग किस लेवल पे होंगे। इनको तो खूब ज्यादा प्रैक्टिस लगती है, इनका फिटनेस ही अलग रहता है, ठीक है। उसके बाद अमन सहरावत, ये आखिरी मेडल इन्होंने लाया था मेंस फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग में, और इन्होंने ब्रोंज लाया, ठीक है। अब यहां पर मैं एक बात थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, हाँ ये देख लीजिए, ये सब इमेजेस के साथ है पूरे के पूरे। अगर आप एक एनालिसिस देखोगे, ठीक है, एक एनालिसिस अगर आप यहां समझने की कोशिश करोगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी, ये जो हिस्सा है भारत का, पंजाब और हरियाणा, आपको पता है भारत के 50% मेडल यहीं से निकल रहे हैं भाई, सारे खिलाड़ी तो यहीं के हैं। मेरे कई दोस्त लोग जब एमबीए में मैं था उन दिनों, मतलब देवर फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब, तो वो बताते थे सर मतलब जगह जगह अखाड़े होते हैं हमारे यहां, हमारे यहाँ जैसे आप गांव गांव में चले जाओगे, हर हर एक नुक्कड़ पे उसका अखाड़ा अलग है, उसका अखाड़ा अलग है। तो कुश्ती उश्ती तो आमतौर पे होती ही रहती है, होती ही रहती है। जैसे दंगल मूवी में जो हमने देखा ना, छोटे छोटे लेवल पे चैंपियनशिप करा रहे हैं ये वो तो होता ही रहता है उनके यहाँ, होता ही रहता है। तो देखो क्या होता है ना, बताने का मतलब ये है कि अचानक से चमत्कार नहीं होते। अचानक से तुम बोलोगे कि छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ी निकले और गोल्ड लेके आ गए, अरे बैकग्राउंड वैसा चाहिए कहीं ना कहीं। ये लोग कंटिन्यूअसली वहां पर वो करते आए हैं, इसीलिए रेसलिंग में बोलो, बॉक्सिंग में बोलो, अच्छा शूटिंग में, आपने एक बॉलीवुड की एक मूवी है आप देखना, तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर की, सांड की आंख, ओके। तो उस मूवी में ना एक सीन दिखाया है जहां पर वो दोनों बूढ़ी औरतें वो बस में ट्रेवल करती है, और बस का ऊपर का रॉड पकड़ के खड़े रहती है, ऐसी ऐसी खड़ी रहती है, इतनी बूढ़ी औरत ऐसे रॉड पकड़ के ऐसे स्टेबल खड़ी रहती है। तो जो पीछे बैठी रहती है ना, वो बोलती है हाँ देखो इनका हाथ कितना स्टेबल है, इतनी बस ऐसे ऐसे हो रही है तब भी एक जैसा हाथ पकड़ के खड़ी है, इसीलिए इनका हाथ बड़ा स्टेबल है, इसीलिए ये बढ़िया निशाना लगा लेते हैं। अब ये जो कुछ उनके ब्लड में है, जो बचपन से उन्होंने किया है, उसका नतीजा है ना यार, शूटिंग में एक तरफा बाजी मारते हैं ये लोग।
तो भारत में कहीं ना कहीं ये एक बात समझने वाली है कि ये मिट्टी ऐसी रही है जहां से आपको एक से एक हीरे मिले हैं। युवराज सिंह भी यहीं से हैं, ओके, क्या शानदार बैट्समैन थे। तो आप लीजिए एंड वन और द अदर प्लेयर विल बी फ्रॉम दिस एरिया ओनली एंड दैट हैज रियली मेड अस प्राउड, पंजाब एंड हरियाणा। ओके, मैं आपको ऐसा एक और एनालिसिस देता हूं, शायद आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। आप थोड़ा नीचे समुद्र तट के ये वाले हिस्से में आइए, केरला के ऊपर थोड़ा सा मैसूर का हिस्सा, ठीक है। इस हिस्से को टुलू रीजन कहा जाता है, ये टुलू एरिया कहा जाता है। टुलू एक बोली भी है, एक भाषा भी है टुलू, ठीक है। तो टुलू रीजन के लोगों की खास बात यह है कि वहां की जलवायु और वहां की मिट्टी और वहां का जो एग्रीकल्चर फूड ग्रेन रहा है वो काफी प्योर रहा है। तो लोग है ना उन्हीं चीजों को खा खाकर इतने सालों में उनके अंदर उस तरह के डीएनए बन गए हैं। और अच्छी बात यह है कि ये लोग अपने ही बिरादरी में शादियां करते हैं तो इनका ब्लड मिक्स भी नहीं होता, अपनी बिरादरी में ही शादियां कर रहे तो एक जैसा। तो यहां से जो लोग निकलते हैं ना प्रायः उन लोगों की हाइट और उनकी सुंदरता बहुत बढ़िया होती है, यानी जो ब्यूटी विथ ब्रेन कॉम्बिनेशन बोला जाता है ना वो आपको यहां दिखेगा भारत में। एग्जाम्पल बताऊं, ऐश्वर्या राय टुलू है, पता है ना ऐश्वर्या राय इज फ्रॉम कर्नाटक, ये मत समझ लेना शी इज फ्रॉम मुंबई और समवेयर एल्स, शी इज प्रॉपरली फ्रॉम कर्नाटक, टुलू बोलती है वो, ओके। सुष्मिता दीपिका पादुकोण वंस अगेन टुलू है, शमिता शेट्टी शिल्पा शेट्टी दोनों टुलू है, राइट। तो बॉलीवुड को एक जो शानदार ब्रीड यहां से मिलता है, ब्लड वैसा रहा है और कंटिन्यूअसली एक से एक टैलेंटेड लोग वहां से निकलते आए, तो वो सेम चीज वहां ऊपर हरियाणा में भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्लियर। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं सारे एथलीट्स ये लोग लार्जली उस एरिया से डोमिनेटिंग हैं, ठीक है। सहरावत साहब वहीं के हैं, चोपड़ा साहब वहीं के हैं, इंडियन टीम में कई सारे प्लेयर वहीं से हैं, स्वयं मनु भाकर वहीं से हैं, सरबजोत और मनु दोनों वहीं से, ये भाई साहब सिर्फ महाराष्ट्र के हैं यहां पर, ठीक है। यस, अब देखिए भारत ने इस बार कितने खेलों में पार्टिसिपेट किया उसका भी अंदाजा लगा लेते हैं। ये है वो 16 खेल जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, इक्विस्ट्रियन, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस एंड टेनिस यानी लॉन टेनिस, ठीक है। ऐसे 16 खेलों में हमने पार्टिसिपेट किया और हमारी दौड़ 69 मेडल्स के लिए हो रही थी, ठीक है। टोटल अगर भारत एक 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 सब इवेंट जीत जाता तब भी हम कितने मेडल बटोर के ला सकते थे, 69। और अमेरिका 140 मेडल के साथ टॉप पर है, 120, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा लिमिटेड माना जा सकता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। लेकिन देखो मैं यहां पर इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि अगले ओलंपिक्स में एक काम करना चाहिए, सीधा 16 से 32 खेलों में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए भारत को, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। और हमारे सोच लेने से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ही पनपते पनपते सब ग्रो होगा ये सारे खेलों के साथ, ओके। जैसे इसका एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, आज दुनिया में फुटबॉल के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल क्रिकेट हो चुका है। क्रिकेट की व्यूअरशिप अगर आप इंडिया पाकिस्तान का एक मैच कराते हो तो जो व्यूअरशिप आती है, भारत पूरा पाकिस्तान 24 करोड़, भारत पूरा 144 करोड़ और बांग्लादेश 16 करोड़ और नीचे श्रीलंका 2.5 करोड़, इतने लोग एक साथ लाइव, मतलब यानी ब्रॉडकास्टर्स की दिवाली निकलती है उस दिन की, यार एक बार ये मैच प्रसारण करने का मौका मिल जाए बस इतनी कमाई होगी। तो ये बात तो सच है ना। तो भारत में क्रिकेट पाया, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है ये इतनी चकाचौंध और पैसा चाइना को नहीं दिखता होगा? 100% आईपीएल पे तो उसकी भी नजर होगी, अमेरिका को भी नजर आता होगा, इसलिए T20 इस बार अमेरिका ने खुद ऑर्गेनाइज करा दिए थे। पागल थोड़ा ना है कि अपने स्टेडियम सुधार के T20 के मैचेस को करवा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इस खेल में पैसा है भाई, राइट। तब भी अगर आप देखोगे तो चाइना में अमेरिका में क्रिकेट ठीक से पनप नहीं रहा है। अमेरिका में कई सालों से क्रिकेट चल रहा है, अभी की बात नहीं है, चाइना कई सालों से क्रिकेट को धीरे धीरे
मतलब शुरू करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ठीक से पनप नहीं रहा है उनके यहाँ। सेम हमारे यहाँ भी वही हाल है, हमारे यहाँ अलग अलग एफर्ट्स लगेंगे। एकदम से तुम बोलोगे कि अगले बार ये साइकिलिंग में गोल्ड मेडल लेके आ जाएंगे, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। अभी कहीं इतने सालों के बाद टोक्यो ओलंपिक्स में हमने पहली महिला खिलाड़ी भेजी थी जो फेंसिंग के लिए भेजी गई थी, चेन्नई से गई थी। ओके, फेंसिंग पता है ना आपको, ऐसा हेलमेट पहनना पड़ता है और वो पतला सा तलवार रहता है उससे आपको फेंसिंग करनी पड़ती है वो, राइट। तो पहली महिला खिलाड़ी हमने भेजी थी, हालांकि वो नहीं जीत पाई कोई मेडल, लेकिन ये शुरुआत ही 2020 में हुई है, इसीलिए काफी हद तक इन सब चीजों को लेकर हमको वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद विनेश फोगाट का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ वो भी बड़ा ऐतिहासिक रहा और उसके वजह से थोड़ा सा यानी सबके सब काफी हद तक डिसअपॉइंट भी हुए। और ये भी माना गया कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का जो फाइनल फैसला आया, भी नाराजगी है लोगों की, फाइनल फैसला तो नहीं हम जैसे देखा जाए तो देना चाहिए था। ओके, ये नीरज चोपड़ा का वो वाला थ्रो है जिसमें 89.45 मीटर उन्होंने फेंका, जबकि अरशद नदीम ने 92.97 ऑलमोस्ट 93 फेंक दिया है भाई, तो दिस इज अमेजिंग। ओके, तो ये हो सके तो ये वाला आप एक पार्ट जरूर देख लेना। ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं बता रहा हूं कि हाउ डू कंट्रीज रिवॉर्ड देयर एथलीट्स, आखिर ये जो इतनी मेहनत करते हैं मिलता क्या है। यहां से आपको समझ में आएगा कि पागलपन क्यों है इतना। जब आप धन राशि देखोगे ना, यू विल रियलाइज कि बनता है बॉस, मतलब इतना अगर कर रहे हैं तो उतना मिलता भी तो है, राइट। तो इधर आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। पहले तो ये बता देता हूं कि ओलंपिक्स में जब कोई मेडल पहनाया जाता है उस मेडल के साथ कोई कैश प्राइस नहीं मिलता, पहले ये एकदम क्लियर रखो। पेरिस में जिन लोगों के गले में मेडल डाले गए उनको मेडल और साथ में एक डब्बा मिलता है, भगवान जाने उसके अंदर क्या है, मिठाई है क्या है पता नहीं, लेकिन कैश प्राइस नहीं मिलता। तो किसी के मन में यह गलत फहमी ना रहे कि यार ओलंपिक्स में वहां से जीत के आए तो कुछ चेक वेक कुछ तो देते होंगे, मैन ऑफ द प्लेयर वाला कुछ 1 लाख 2 लाख कुछ नहीं मिलता, वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो फिर कमाई कहां से होती है? कमाई होती है आपके अपने देश में, आप जिस देश के हैं वो देश आपको देगा। तो हमारे देश का क्या हिसाब है वो बताता हूं। हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में से कोई ना कोई आपके लिए इनाम घोषित करेगा, कभी कभी दोनों ही इनाम घोषित कर देते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल जीता, हरियाणा सरकार ने अगले ही दिन 6 करोड़ रुपए अनाउंस किए, लिटरली 6 करोड़ रुपए सीधे। भारत सरकार ने 1 करोड़ अलग दिए, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने पर्सनली उसको 6 करोड़ रुपए दे दिए थे, राइट। नीरज चोपड़ा की अभी की संपत्ति का ब्यौरा भी आया है, नीरज चोपड़ा के पास इस समय 37 करोड़ रुपीस की संपत्ति है, और वो पेरिस ओलंपिक से यहां आए ही नहीं, वो तो जर्मनी चले गए अपने इंजुरी का इलाज वगैरह कराने के लिए, तो महीने भर बाद ही आएंगे, राइट। तो अच्छा खासा कमा चुके होते हैं। उसके बाद राज्यसभा की इनको सीट मिल जाती है अलग, कुछ नहीं तो ये MLA बन के बैठ जाते हैं, विधायक बन जाते हैं आगे जाकर, तो करियर तो सेट है। और कुछ नहीं तो स्पोर्ट्स कोच तो आसानी से बनी सकते हो, सरकारी नौकरी भी आपको मिल सकती है। सो देर आर सो मेनी थिंग्स जो ये एक मेडल आपको दिला देता है, ठीक है। आगे आपको बताता हूं मैं, ये देखिए, रीचेस बियॉन्ड द डॉलर्स, ओके, यानी पैसों से कहीं ज्यादा अमीरी। ओके, कजाकिस्तान में अगर कोई आदमी ओलंपिक्स का मेडल जीत जाए, अपार्टमेंट दे देते हैं पूरा, अपार्टमेंट रहने के लिए, ठीक है। मलेशिया में लग्जरी सर्विस मिलेगी, अपार्टमेंट मिलेगा, इंपोर्टेड गाड़ी मिलेगी। साउथ कोरिया में लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी, जिंदगी भर के लिए एक बार मेडल जीत लो। हांगकांग में फ्री लाइफ टाइम ट्रांसपोर्टेशन टिकट, आप कहीं भी ट्रैवल करिए आपके लिए फ्री टिकट रहेगी। हमारे यहां ये सुविधा भारत रत्न मिलती है, हमारे यहां भारत रत्न को सुविधा रहती, भारत रत्न हमारे यहां बहुत स्पेशल आदमी होता है, उनको फिर लाइफ टाइम पूरा का पूरा बस टिकट जो बोल रहा हूं, एयरप्लेन की टिकट उनके लिए फ्री रहती है, बस में क्या ही ट्रैवल करेगा वो। पोलैंड में पेंटिंग्स मिलेंगी,
हॉलीडे वाउचर्स मिलेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी, डायमंड्स मिलेंगे। खतरनाक। जापान में बैग ऑफ राइस है, ये थोड़ा कम नहीं हो गया यार? चावल के बोरे वगैरह क्या दे रहे हो यार, कुछ अच्छा दो। बैग ऑफ राइस। अब बासमती का भी होगा तो क्या ही कर लेगा, कितना खा लेगा अकेला। ओके, और वो तो बेचारा खा भी नहीं सकता, इतना चावल खा के थोड़ी पेट फुला लेगा अपना। इंडोनेशिया, काउज मिलेंगे और रियल एस्टेट यानी जमीन मिलेगी आपको, ठीक है। अब देखो ये जो दिया गया है, ऐसा नहीं कि इन्होंने संविधान में लिख दिया है कि हम ये देंगे, ये अपनी इच्छा से देते हैं। दूसरी बात ये कि ये बदले जा सकते हैं, कल को अगर वो काऊ के जगह बफेलो दे देगा प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। अभी इधर देखो, एस्टिमेटेड मेडल बोनस, ठीक है, बोनस देख लीजिए, है ना। गोल्ड मिलेगा तो 7.5 लाख डॉलर, डॉलर डॉलर, एक डॉलर मतलब 83 रुपीज, तो इसको 83 से मल्टीप्लाई कर लेना। सिल्वर मिलेगा तो करीबन 4 लाख डॉलर, ब्रोंज मिलेगा तो 2 लाख डॉलर, सिंगापुर में 7.5, 4.5 और 2, इंडोनेशिया में भी इतनी रकम, इजराइल में देख लो, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, मलेशिया, स्पेन, फ्रांस, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, स्वयं यूनाइटेड स्टेट हर गोल्ड मेडलिस्ट को 38,000 डॉलर दे रहा है। 38 को 83 से मल्टीप्लाई करो, एक डॉलर बराबर 83 का भाव चल रहा है ना, उतने लाख रुपए इसको एक गोल्ड मेडल के मिल जाएंगे। $23,000 सिल्वर के, $15,000 ब्रोंज के। अमेरिका वाले तो पागल ही हो जाते होंगे, उनके यहां जीतने वाले ही इतने हैं, अब 128 लोग जीत के आ गए हैं, क्या क्या बांटते रहेगा भाई, कितना बांटेगा वो। ओके, उसके यहां तो बहुत ज्यादा है। जापान में देखो सिर्फ बैग ऑफ राइस नहीं है, चावल के बोरे के अलावा ये भी मिलता है भाई, मिल रहा है, मिल रहा है, ठीक है। पोलैंड में ये है, देखो अब उनके पर्सनल देशों की अगर आप करेंसी से तुलना करोगे तो ये रकम बहुत बड़ी है, यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड डॉलर में नाप दिया गया है। जर्मनी में 22,000, 16,000, 11,000, ऑस्ट्रेलिया में 13,000, 10,000 और 7,000, ठीक है, ये रकम इनको मिल जाती है। इसके अलावा देखो पेरिस एडिशन में इंडिया के चैंपियंस को हमने क्या दिया, अब इंडिया की बात कर लेते हैं। मनु भाकर 2 ब्रोंज जीत चुकी है, मनु भाकर को खेल मंत्रालय के तरफ से 30 लाख रुपए, हरियाणा गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए, देखा नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ दिए थे गोल्ड के लिए, इसको तो 5 मिलने ही थे क्योंकि ये महिला है, इस बात का बड़ा क्रेडिट मिलता है। और दूसरी बात, एक नहीं दो दो मेडल लाई है, ठीक है। और ऑफर लेटर ऑफ गवर्नमेंट जॉब तुरंत सीधा अगले दिन मेल आ जाएगा, ज्वाइनिंग है मैडम आपकी गवर्नमेंट जॉब। अब जनरली इन लोगों को डीएसपी वीएसपी मतलब ऐसे यानी पुलिस विभाग में दिया जाता है, ओके, इस टाइप से। तो मनु भाकर के लिए इतना है ऑलरेडी, ठीक है। और मैं स्ट्रांगली मानता हूं, मतलब आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा अपना कैलकुलेशन है कि विनेश फोगाट और मनु भाकर को इस बार अर्जुना अवार्ड देंगे, शायद हो जाएंगे वो क्वालिफाई आराम से। अर्जुना के लिए तो जाना ही चाहिए, विनेश को तो बिल्कुल मिलना ही चाहिए, वो डिजर्व भी करती है, ठीक है। तो 5 करोड़ रुपए देखो, अब केंद्र सरकार ने 30 लाख दिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने 5 करोड़ दे दिया। हरियाणा गवर्नमेंट को तो लिटरली हर 4 साल में एक बड़ा बजट निकाल के रखना ही पड़ता होगा, उनके यहां से तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना। सरबजीत सिंह है ना, जो मनु भाकर के साथ डबल्स में थे, 22 लाख रुपए हरियाणा गवर्नमेंट, सॉरी 22 लाख रुपए खेल मंत्रालय ने दिए, हरियाणा सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए दिए और इनको भी गवर्नमेंट जॉब दे दिया गया है। स्वप्निल कुसरे जो महाराष्ट्र के हैं, इनको महाराष्ट्र सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिया है। अमन सहरावत, इनका अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है लेकिन जल्दी ही होगा, ठीक है। नीरज चोपड़ा सबसे बड़ा मेडल तो यही लाए हैं सिल्वर, इनका भी अभी इस बार का ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी भी बाकी है, अभी तक बोला नहीं है कि नीरज चोपड़ा को क्या मिलने वाला है। अब वो कब बोलेंगे, 1 महीने बाद जब नीरज चोपड़ा इंडिया आ जाएंगे, उसके बाद ही होगा, ठीक है। मेन्स हॉकी टीम को क्या क्या मिला है, हॉकी इंडिया 15 लाख पर प्लेयर, पर प्लेयर 15 लाख, ठीक है। 7.5 लाख सपोर्ट स्टाफ को, इनके साथ जो भी डॉक्टर फिजिशियन जो गए होंगे। उड़ीसा के सीएम ने 4 करोड़ रुपए दिए हैं। अब उड़ीसा कहां से बीच में आ गया, उड़ीसा और भुवनेश्वर को भारत की हॉकी कैपिटल माना जाता है, मालूम है कि नहीं।
उड़ीसा सरकार इकलौती सरकार थी जिन्होंने हॉकी टीम पे 2021 के ओलंपिक के टाइम पे भरोसा दिखा के इनको स्पॉन्सरशिप दी थी। उन बेचारे खिलाड़ियों को कोई पूछ भी नहीं रहा था, उनको स्पॉन्सरशिप ही नहीं थी, प्लेन ड्रेस पहन के जाना था बस। जैसे वो तुमने उसमें देखा है ना सुल्तान मूवी में, वो प्रेशर कुकर वाला एक स्पॉन्सर मिलता है उसको ले देके तब जाके खेल सकते हैं। इन बिचारों को कोई स्पॉन्सरशिप देने को तैयार नहीं था। तो हॉकी टीम के लिए नवीन पटनायक साहब ने उस समय स्पॉन्सरशिप रखी थी कि चलो उड़ीसा टूरिज्म की तरफ से हम देंगे आपको स्पॉन्सरशिप, और उसके लिए वो लोग फिर मेडल जीत के लाए थे ब्रॉन्ज। तो इस बार उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से फिर से बम्पर अनाउंसमेंट हुआ है, 4 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है, डिफेंडर रोहित अमित रोहिदास के लिए, ठीक है, 15 लाख रुपए ईच प्लेयर, 10 लाख फॉर ईच सपोर्ट स्टाफ। पंजाब गवर्नमेंट के तरफ से 1 करोड़ रुपए फॉर ईच पंजाब प्लेयर, टीम में जितने पंजाब के खिलाड़ी हैं उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए। अब आप बोलोगे ऐसा पार्शियलिटी भेदभाव, देखिए राज्य सरकारें तो अपने तरीके से कर ही सकती है ना। हाँ, भला ये है कि अभी जाति के नाम पर नहीं मिलने लगा है कि भैया ये साहू है इसको हम दे रहे हैं, ये शर्मा है इसको हम दे रहे हैं, इस तरह का अभी तक देखने को नहीं मिला है। हाँ, और वैसा होना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अपने स्टेट के प्लेयर को आप दे सकते हो। जैसे आपको पता है क्या, गोलकीपर केरला का था, श्रीजेश ही वॉज फ्रॉम केरला, तो उसको केरला गवर्नमेंट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बड़ा इनाम जरूर देगी। नीरज चोपड़ा का भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, ठीक है। अभी देखिए, फ्रॉम द स्टेट्स फ्रॉम वेयर द ओलंपिक मेडलिस्ट हेल्ड ऑल्सो जेनरसली रिवॉर्डेड द विनर्स ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स के समय का बताता हूं, हरियाणा गवर्नमेंट ने नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ दिए थे, सिल्वर मेडलिस्ट रवि कुमार दहिया, ये टोक्यो ओलंपिक्स का बता रहा हूं, उसको 4 करोड़ दिए थे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया को 25 लाख दिए थे, मणिपुर की मीराबाई चानू, याद है आपको ये नाम मीराबाई चानू, उनको मणिपुर सरकार ने 1 करोड़ दिए थे, आसाम की लोवलीना बोरगोहेन, इनको ब्रॉन्ज मेडल के लिए 1 करोड़ दिए गए थे, और तेलंगाना की पीवी सिंधु बैडमिंटन की, उनको 30 लाख रुपए ब्रॉन्ज विक्ट्री पे तेलंगाना सरकार ने दिए थे। हालांकि पीवी सिंधु के पास बहुत पैसा है यार, वो तो ऑलरेडी इंडियन ऑयल, बैंक ऑफ बड़ौदा, न जाने कितनी कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। ओके, राइट, यस। अब देख लीजिए, ये इस खिलाड़ी को देखिए, अपार्ट फ्रॉम द नेशनल रिवॉर्ड ऑफ 16 मिलियन फिलीपींस पीसो, जिम्नास्ट कार्लोस यूलो, फिलीपींस फर्स्ट एवर मेल डबल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, वॉज अवॉर्डेड विथ अ फुल्ली फर्निश्ड 5,50,000 कॉन्डोस। ये बेसिकली उनके करेंसीज में है, उतना इसको अलग से दिया गया था, 2 गोल्ड मेडल लेके आया था। ही वॉज ऑल्सो प्रोमिस्ड लाइफ टाइम कोटा फ्री, ओके, कॉलोनोस्कोपीज एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कंसल्टेशन। शारीरिक चीजों से संबंधित किसी बीमारी का कंसल्टेशन इसका जिंदगी भर के लिए फ्री कर दिया गया, आफ्टर ही टर्न्स 45, जब ये 45 के हो जाएंगे, अलोंग विथ फ्री लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ फ्री बफेट्स, ये क्या है पता नहीं, एंड मोर वेरियस चेन रेस्टोरेंट्स, मतलब खाना पीना भी जिंदगी भर के लिए फ्री कर दिया गया उसका एक तरीके से। अभी तक अगर कुल मिला के देखा जाए तो $2.4 मिलियन की राशि जो है वो दी जा चुकी है, ओके, एंड ओवर द ईयर्स, ये दुनिया के सबसे हाई पेड ओलंपिक प्लेयर्स आप इनकी लिस्ट देख सकते हो। जॉन रैम $210 मिलियन, ली ब्रॉन जेम्स $127.7 मिलियन, स्टीफन करी $102 मिलियन, गियानीस $101 मिलियन, एंड केविन ड्यूरेंट $90 मिलियन के आसपास। ये टॉप प्लेइंग एथलीट्स हैं। तो ये बात तो है कि पैसा तो भरपूर है बॉस, इसमें करियर, नाम, शोहरत, और आप रातों रात पूरे देश के लिए बड़े फेमस हो जाते हो। तो एक तरीके से एक मेडल और आपकी लाइफ सेट, ये तो बोला जा सकता है। तो अगर हम मटेरियलिस्टिक एंगल से भी देखें कि इतने पापड़ बेल के क्या मिलेगा, तो है बहुत कुछ है इसमें। अब मैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट आपको बता देता हूं जो थोड़े से मिस हो गए। कोई अगर मुझे ये बोले कि सर टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने 7 मेडल जीते थे जिसमें से 1 गोल्ड था, 1 सिल्वर था और 5 ब्रोंज थे, नहीं 2 सिल्वर थे 4 ब्रोंज थे, लेकिन वही अगर आप पेरिस की बात करोगे तो हमको 6 ही मिल पाए जिसमें से गोल्ड मिला ही नहीं, सिल्वर 1 मिला और 5 ब्रोंज मिले,
तो देखा जाए तो टोक्यो में हमारा प्रदर्शन अच्छा था एज कंपेयर टू पेरिस, मैं बोलूंगा नो, ये हिसाब गलत है। तुमको ये समझना पड़ेगा कि पेरिस में हमने क्या कमाल किया है। अब मैं आपको कुछ ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट दिखाता हूं, करीबन करीबन 9 खिलाड़ी ऐसे जो सिर्फ थोड़े से एकदम थोड़े जिन्होंने मेडल मिस कर दिया, किसी ने तो 1 किलो की वजह से मिस कर दिया बस, ये सब के सब चौथे पायदान पे आके फिनिश हुए। अगर ये 9-10 में से 5 लोग भी अगर जीत जाते तो आज हमारी मेडल टैली सीधा 11-12 पे होती, राइट। तो लेट अस सी द लिस्ट ऑफ दोस प्लेयर जो थोड़े से मिस हो गए, एंड इनसे हमको अगले ओलंपिक्स में तो जबरदस्त उम्मीदें हैं, देखना। ओके, नंबर 1 पे आप देखिए धीरज बोमादेवरा एंड अंकिता भकात। ओके, ये जो 2 खिलाड़ी हैं ये आर्चरी में थे, सेमीफाइनल तक पहुंच चुके तीरंदाजी में, ठीक है। ये लोग साउथ कोरिया के प्लेयर्स से हार गए प्लेऑफ में, अदरवाइज दे वर डूइंग गुड, सेमीफाइनल में जाके हारे हैं, अगली बार के लिए ये हमारे लिए बड़ी उम्मीद है। अर्जुन बबूता और रमिता जिंदल, ये दोनों ने भी नैरोली मिस किया, ये चौथे स्थान पर रहे हैं मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में। ओके, जस्ट 1.4 पॉइंट्स शाय ऑफ द पोडियम, यानी पोडियम का मतलब होता है एकदम बीच का बिंदु, वहां से 1.4 पॉइंट्स उनको थोड़े से कम मिले हैं, अदरवाइज इन्होंने गेम पूरा सेट कर ही दिया था, ठीक है। सो दे वर ऑलमोस्ट गुड। मनु भाकर, आपको तो पता है ना, तीसरा मेडल ये जस्ट मिस करी थी, 2 मेडल ये जीत गई थी, तीसरा थोड़े से मिस हुआ था इसका। तो मनु भाकर जब तीसरे मेडल के लिए जा रही थी, ट्रेबल एंडेड हार्ट ब्रेकिंग एज शी नैरोली लॉस्ट द ब्रोंज टाई शूट टू हंगरीज वेरोनिका मेजर इन द 25 मीटर पिस्टल स्पोर्ट्स पिस्टल, डेस्पाइट हर एफर्ट भास्कर फेल शॉर्ट इन द शॉर्ट ऑफ लीविंग विथ हर 2 ब्रोंज मेडल इन 10 एयर पिस्टल इवेंट्स। तो 10 मीटर में 2 मिल गए, लेकिन 25 मीटर में ये जरा से बच गई थी और हंगेरी की एक दूसरे प्लेयर ने इनको हरा दिया था 25 मीटर, नहीं तो 1 मेडल इधर भी पक्का था। तो अगर आप देखें तो ये 3 मेडल हो सकते थे, ठीक है। उसके बाद चौथा लक्ष्य सेन, इसका मैच तो मैं लाइव देख रहा था यार, मतलब अब देखो मैंने ज्यादा खेला नहीं है तो मेरे को ये सब कमेंट्स, वो वही होता है ना कि मतलब पॉपकॉर्न खा के विराट कोहली का फ्रंट फुट कैसा है ये बकवास करना बड़ा आसान है, इंडिया में वही होता है कि बुमराह को कैसे बॉलिंग करनी चाहिए लोग घर बैठ के समझाते रहते हैं, ये तो बकवास बातें है ना। तो लक्ष्य सेन को उस दिन अगर आप खेलते हुए देखते ना, वो फॉर्म में ही नहीं लग रहा था, जितना अच्छा वो उसके एक दिन पहले खेल रहा था ना, ऐसा पता नहीं क्या टेंशन था या बड़ा मुरझाया हुआ सा खेल रहा था। तो उस दिन का जो परफॉर्मेंस है, अदरवाइज लक्ष्य सेन वॉज रियली गुड। लक्ष्य सेन मेड इट टू द हिस्ट्री, फर्स्ट इंडियन मेल टू रीच द बैडमिंटन सिंगल सेमीफाइनल्स तक पहुंचा था बंदा, ये सेमीफाइनल्स तक, तो ही कुड हैव ऑल्सो मेड इट। ओके, बाय द वे भारत में क्रिकेट के अलावा कुछ ऐसे खेल जिसमें शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे मैदान, अच्छा आपको पोडियम मिल जाएगा और उसके बाद आपको अच्छे कोचेस मिल जाएंगे, उसमें से एक खेल है बैडमिंटन। बैडमिंटन में शानदार ट्रेनिंग करवानी है किसी को, आपके घर में कोई छोटे भाई बहन है जो स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, सीधा हैदराबाद भेजिए और उनको एक बढ़िया ट्रेनिंग दिलवाइए। जैसे IIT की तैयारी के लिए कोटा चले जाते हैं ना, बस अगर स्पोर्ट्स में करियर बनाना है और उसमें भी बैडमिंटन बहुत चहिता है, पैसे लगाइए और सीधा हैदराबाद भेजिए, वन ऑफ द बेस्ट टेनिस कोर्ट्स वहाँ, बैडमिंटन कोर्ट्स वगैरह सब अवेलेबल हैं, स्वयं सिंधु वहीं से ही निकली हुई है, तो ये तो अच्छा माहौल मिल जाता है वहाँ पर। फिर माहेश्वरी चौहान एंड अनंतजीत सिंह नरूका, ये दोनों के दोनों ने वंस अगेन ब्रॉन्ज इन द स्किट मिक्स, इन्होंने स्किट मिक्स में थोड़ा सा मिस कर दिया, चाइना के 2 प्लेयर्स ने इनको हरा दिया, इनके मार्क्स थे 43, सामने वाले के थे 44, क्या नैरो मिस हुआ है, नहीं तो ये भी इनसे हो जाता। और उसी तरीके से निशांत देव, इन्होंने नैरोली मिस किया, कंट्रोवर्शियल स्प्लिट डिसीजन क्वार्टर फाइनल एट मेक्सिको, मार्को वर्द एलावरेस इन 71 kg कैटेगरी, डेस्पाइट डोमिनेटिंग द अर्ली राउंड्स डिस्प्यूटेड जजमेंट लेफ्ट हिम 1 विन शाय ऑफ द मेडल। ये बेसिकली रेसलिंग में थे, 6 मिनट का गेम होता है, मतलब इनके जजमेंट के ऊपर, जो रेफरी ने जो जजमेंट दिया उसके ऊपर अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि किस बेसिस पे 1 पॉइंट सामने वाले को ज्यादा दे दिया। मैं आपको ना एक रूल समझा देता हूं, शायद आपको अंदाजा हो जाएगा।
मान लो दो लोगों की कुश्ती हो रही है, 6 मिनट का राउंड होता है, और नीचे ना पूरे कलर बने होते हैं कि आपने इस लाइन के उधर ले जाके पटका तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और एकदम बाहर फेंका तो और मार्क्स मिलेंगे, और इंद्रधनुष बना के ही फेंक दिया पूरा तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा होता है। 6 मिनट का राउंड रहता है, 2-2 मिनट का एक राउंड रहता है, ऐसे 3 राउंड रहते हैं। तो होता क्या है ना कि खिलाड़ी अटैक मान लो कर ही नहीं रहा है, बस वो ऐसे खड़ा है, अटैक कर ही नहीं रहा है, अटैक ना करते हुए वो सिर्फ डिफेंड कर रहा है कि मेरा काम है इससे बचना। हम खुद इसको नहीं नहीं रेसलिंग में जाएंगे ना, ये बॉक्सिंग के हैं, मैं रेसलिंग का बता रहा हूं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो अटैक आप कर ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ डिफेंड कर रहे हो, रेफरी सामने वाले को 1 मार्क फालतू का दे देगा और आपको वो वार्निंग दे देगा कि अटैक क्यों नहीं कर रहा है, सिर्फ खड़ा रहेगा क्या, ये अलाउड नहीं होता है। विनेश फोगाट ने अपने शुरू के 2 मार्क्स ऐसे ही गंवाए थे। विनेश फोगाट का मैच तो मेरा लेक्चर होने के बाद आप 6 मिनट का गेम है, जरूर देखना यूट्यूब पे। मतलब जैसे होता है ना नेशनल ज्योग्राफी में कि एक शेर शांत बैठा हुआ है, बस सामने शिकार है, शेर सिर्फ एक मौका देख रहा है, अब वो बैठा ही हुआ है, एक ऐसा मोमेंट आता है कि वो खड़ा होगा, दौड़ेगा, सीधा गर्दन से पकड़ेगा और इतना कमाल वो 10 सेकंड में कर देगा। होते हैं ना, उतनी उनके पास उतनी एथलेटिक पावर होती है। मतलब आप विनेश का वो मैच देखोगे तो 6 मिनट में से 5 मिनट 45 सेकंड का मैच तो टोटल बोरिंग है, कुछ हरकत ही नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं, और उल्टा विनेश क्योंकि सिर्फ खड़ी है, सिर्फ जज कर रही है सामने वाले को, उस बात के उसी को मार्क्स मिलते जा रहे हैं। आखिरी के 15 सेकंड में गेम पलट दिया, सीधा उठा के पटका, 2 मार्क्स उसको मिल गए, विनेश वन द गेम। और जिसको विनेश ने पटका वो यूई ऐसा कुछ तो भी नाम है, यूई सुजाकी ऐसा कुछ तो भी नाम है, फ्रॉम जापान। वो बंदी पिछले 82 मैचेस से हारी नहीं थी, 82 मैचेस से लगातार जीतती आ रही है, उसको पहली बार हराया था विनेश ने। उस दिन विनेश जिस फॉर्म में चल रही थी ना, मतलब खेल ही खत्म था, मतलब हम तो लाइव देख रहे थे। अच्छा एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात उस दिन क्या हुई पता है, जो अब वो तो खैर नियम बदल गए तो कुछ नहीं कर सकते, अगर आप टोक्यो ओलंपिक से तुलना करोगे तो जितने भी कुश्ती के जो मैचेस होते थे वो एक दिन में हो जाते थे, 6-6 मिनट के तो राउंड होते हैं, तो एक दिन में हो जाते थे। तो खिलाड़ी का वजन सवेरे एक बार देख लिया, हाँ भैया तुम 50 किलो कैटेगरी में हो, 50 किलो वजन होना चाहिए, तुम 52 किलो कैटेगरी में हो, 52 किलो, 52 किलो वाला 52 किलो के साथ लड़ेगा, 50 वाला 50 के साथ लड़ेगा, सीधा हिसाब है, 10-15 ग्राम का इधर उधर मार्जिन रहता है, बाकी तो रहता ही नहीं है, तो एक बार वजन हो गया हो गया। लेकिन यहां इन्होंने क्या किया पेरिस ओलंपिक्स में, वो खेलों को 2 दिन तोड़ा है इन्होंने, पहले दिन क्वार्टर फाइनल हुए, फिर सेमीफाइनल हुए, और फाइनल के लिए अगला दिन रखा था इन्होंने, तो खिलाड़ी का वजन अगले दिन फिर से करना था। ये एक बड़ी समस्या थी कि भाई विनेश ने पहले दिन के लिए सारी तैयारी कर ली, 49.9 kg उसका वजन आया, दोनों राउंड जीत गई, राउंड जीत जाने के बाद उस राउंड के लिए उसने जितना खुद को भूखा रखा, उसके बाद जब आराम की खाना वाना खाई, उसका वजन 52 किलो के ऊपर निकल गया, 52 किलो के ऊपर। तो ये समझ में आ गया था कि यार खेली खत्म है, अगले दिन डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, 52 किलो तो अलाउड ही नहीं है। रात भर साइकिलिंग कर रही है, रात भर एक्सरसाइज कर रही है। अब देखो शरीर के पानी का वजन घटाया जा सकता है, मसल्स का वजन इतने जल्दी नहीं घटता। सवेरे होते होते फिर बाल वाल काट के कुछ कम किया गया वजन, उससे कहा सब कुछ करने के बावजूद 100 ग्राम ज्यादा निकल गया, भगा दिया उन लोगों ने। तो वो जो मेहनत है ना भाई, उसका अंदाजा एकदम ऐसे नहीं लगाया जा सकता। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाय एंड लार्ज वो जो आप मैच देखोगे ना, वो आखिरी के 15 सेकंड में जो उसने गेम पलटा है, इट इज अमेजिंग, बहुत बढ़िया था वो। ओके यस, फिर ये 3 रहे जो हमारे हाथ से निकल गए। पहला निशा दहिया, निशा दहिया रेसलिंग में थोड़ी सी चूक गई, वंस अगेन हरियाणा की है ये, विनेश फोगाट, सारी कहानी आपको पता ही है। एंड देन मीराबाई चानू, पिछले बार ये जीती थी, ये 1 किलो से रह गई यार, सिर्फ 1 किलो से, देखो 1 kg शॉर्ट ऑफ द ब्रॉन्ज मेडल, 1 kg शॉर्ट ऑफ द ब्रॉन्ज मेडल, नहीं तो ये कर लेती मीराबाई चानू, वो
एक्सट्रीमली अ ग्रेट होप, ये बिल्कुल नीरज चोपड़ा के बराबर बराबर का कंफर्म खिलाड़ी है अपने पास। जिस तरह क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह, जैवलिन में नीरज चोपड़ा, वैसे हमारे लिए इसमें है ये, वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू कंफर्म मेडल वाला प्लेयर है ये, राइट। तो एक किलो से मिस हो गया, तो ये तीन पीछे के, ये तीन और फिर ये तीन, नौ मेडल तो ऐसे ही मिस हुए हैं थोड़े थोड़े से के लिए। मैं नौ की बात नहीं करता, बट अगर इनमें से चार पांच भी मिल जाते हैं एक गोल्ड मिला के, हम कहां के कहां हो गए होते हैं। ओके राइट यस। अब लास्ट में कुछ दो चार चीजों पे आके खत्म करते हैं। ओके देखो स्पोर्ट्स को लेकर वैसे तो काफी सारी बातें ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान भारत में खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं का भी हुआ है। मौजूदा सरकार ने खेलो इंडिया ये जो कैंपेन शुरू किया था कि भारत में खेलने वालों के लिए अलग से एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया जाएगा जहां पर बहुत सारे यंग टैलेंट्स को मौका मिलेगा, तो खेलो इंडिया हैज रियली मेड अ गुड मार्क। ओके कई सारे प्रदेशों से, छोटे छोटे जगह से एक से एक खिलाड़ी आ रहे हैं, तो भारत में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। दूसरा नेशनल गेम्स, ये भी काफी हद तक भारत में एक बड़ा मकाम दिला देते हैं जहां से खिलाड़ियों को एक अच्छा प्रोत्साहन मिलता है और इसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है। हाँ इसमें अच्छी खासी पांच पांच दस दस साल के लिए आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो आप खेलिए, आपको पूरा सरकार सपोर्ट करेगी, ठीक है। अब कोई अगर बोलेगा कि भारत में स्पोर्ट्स अगर पनपता है तो उसका फायदा क्या होगा, देखिए एक सीधी सी बात है, स्पोर्ट्स एक खेल नहीं, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री बन जाती है। मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको। आप में से कोई दिल्ली के मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर गया है जहां पर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी का मक्का पूरा है ना, मेरा लगभग लगभग हर साल जाना होता है। ओके तो यूपीएससी के लिए दिल्लीगढ़ है, हम सभी जानते हैं, जैसे कोटा राजस्थान आईआईटी के लिए है वैसा। तो अगर आप वहां जाएंगे मुखर्जी नगर में, कीड़े मकोड़ों की तरह स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं, हर जगह हॉस्टल, हर जगह कोचिंग क्लास का बोर्ड, ये टीचर वो टीचर, हर जगह बैनर, हर गली कुचड़े में आपको कोई ना कोई टीचर और कोई ना कोई कोचिंग क्लास मिलेगा ही। हर साल कम से कम 25-30 हजार से भी ज्यादा का क्राउड वहां आसानी से आ जाता है, आसानी से आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, मतलब सिर्फ कोचिंग क्लासेस का बिजनेस चलता है? इतने बच्चे रहेंगे कहां, मनमाने हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, वो 3 किलोमीटर के परिसर में सब प्रीमियम रेट पे, किसी एक का भी मकान खाली नहीं मिलेगा आपको, सब भाड़े से चढ़े हुए हैं। उसी तरीके से चाय की टपरियां लाइन से, जेरोक्स वाले लाइन से, फोटोकॉपी किताबें बेचने वाले, फिर उसके बाद कई सारे एजेंट मकान ढूंढ के देने वाले, इन सब की भी दाल रोटी निकल रही है ना यार, आप समझ रहे हैं। और उसके बाद 2020 के बाद एक चलन आया स्टूडियो सेट करके देने वाले। अरे मेरे से पूछ लो, मेरे घर पे मैंने स्टूडियो लगाया है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं इसके लिए, ये इंटरेक्टिव पैनल, ये कैमरा, उसकी सेटिंग, इसके लिए एक एक्सपर्ट चाहिए, हर किसी के बस की बात थोड़ी है ये। फिर ये सारे तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री पनपती है, राइट, है ना। ठीक वैसे ही स्पोर्ट्स अकेला नहीं आता, स्पोर्ट्स अपने साथ पूरी इंडस्ट्री लेकर आएगा। आज अगर मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट के ऊपर कमेंट्री कर करके कितने सारे यूट्यूबर आज मिलियन वाले फॉलोअर्स वाले बन गए हैं, क्रिकेट के ऊपर ध्यान देते हैं बस। ओके तुम पाकिस्तानी दो तीन लोगों को देखना, मतलब कोई मैच होने के बाद उनके यूट्यूब चैनल में, ओके मतलब 55,000 लाइव रात को 1:30 बजे। ओके किस बात का, क्रिकेट के ऊपर बता रहे हैं कि कौन जीता क्या, मतलब ऐसे ही सब अपने अपने लेवल का ज्ञान दे रहे हैं, पब्लिक को बड़ा मजा आता है, लोग सुनते चले जाते हैं। तो ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये अपने साथ एक पूरी इंडस्ट्री बना देता है। अब देखो क्या क्या बनेगा, अगर मान लो खेलों के प्रति जागरूकता बन गई, ठीक है, सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए पैसा लगेगा, वहां लोगों को नौकरी लगेगी। दूसरा, इसके लिए जितना किट वगैरह लगेंगे, जितने उसके साथ आपको चीजें लगेंगी, तो स्पोर्ट्स वियर पूरा का पूरा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के साथ खड़ा हो जाएगा। आज आप रायपुर में मैग्नेटो मॉल के आगे देखिए, डीकैथलन नाम का एक जो बहुत बड़ा पूरा एक कंप्लीटली स्पोर्ट्स का ही शॉप है, वो डीकैथलन, ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है, स्पोर्ट्स की ही चीजें मिलती हैं।
उसके साथ साथ फिटनेस वालों की पूरी इंडस्ट्री इसके ऊपर चलती है, डायटिशियंस की पूरी इंडस्ट्री इसके ऊपर चलती है, डॉक्टर और फिजिशियंस इसके भरोसे पे दाल रोटी कमाते हैं, उतने ही फिर साइकोलॉजिस्ट्स भी होते हैं जो इसके भरोसे दाल रोटी कमा लेते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऊपर अलग अलग चीजें, ठीक है। फिर इसके बाद जितने एनालिस्ट होते हैं जो आपको आंकड़े लाके देते हैं, जैसे मान लो आप मनु भाकर हैं, मान लो एक मिनट के लिए, तो अगर सामने कोई ओपोनेंट होगा तो ना वो तुमको स्ट्रेटजी बताएगी कि मनु जी आज आपका मैच जिसके साथ होने वाला है ना उसके बारे में मैं आपको दो चार चीजें बता देती हूँ, ये खिलाड़ी का बचपन ऐसा ऐसा रहा है, ये खिलाड़ी ने इतने राउंड में क्वालिफाई किया था, इसका ना ये वाला स्ट्रोक बहुत बेहतरीन रहता है तो हो सके तो उसके इस वाले स्ट्रोक से बचना, इसमें वो जबरदस्त मास्टर है, ये सब टेक्निकल बातें निकालने वाला एक एक्सपर्ट होता है। जैसे होता है ना भाई मुथैया मुरलीधरन की बॉल, उसको पढ़ने के लिए उसके कम से कम 1000 ओवर देखते बैठते हैं कि ऐसा हाथ करता है तो क्या घुमाता है, वैसा हाथ करता है, तो ये एक्सपर्ट होते हैं ना, वैसे इसके एक्सपर्ट्स होते हैं जो आंकड़े लाके देंगे आपको, तो ये एक्सपर्ट्स एनालिस्ट्स बोलते हैं, ये लोग भी रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोचेस का जॉब वो तो अलग होगा ही, कमेंट्री करने वालों का जॉब ये भी अलग होगा, और फिर हमारे जैसे कुछ टीचर जो इसके ऊपर लेक्चर लेके 2-4 पैसे कमा लेते हैं, राइट। ये तो अच्छी खासी इंडस्ट्री पनप जाती है ना पूरी की पूरी, राइट। तो स्पोर्ट्स में वो वैल्यू तो है, नो डाउट। आप लोग शार्क टैंक देखते थे क्या? शार्क टैंक के 3 सीजन आ चुके, चौथा आने वाला है। आप शार्क टैंक के पुराने बहुत सारे एपिसोड निकाल के देखिए, कई ऐसे लोग स्पोर्ट्स वाला इन्वेस्टमेंट लेके आते थे, कई लोग। तो भारत में आने वाले दिन में ये सब चीजें तो पनपने वाली हैं ही। तो पहली बात तो खेलों का सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक अल्टरनेटिव करियर बनता है। गए वो दिन जो माँ बाप बिल्कुल ये बोलते थे कि खेलना कूदना नहीं है, चुपचाप पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स में अब करियर है एकदम। मैं बहुत एकदम ही जो जागरूक नहीं है पेरेंट्स उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन शहर में रहने वाले, तहसील में रहने वाले, छोटे शहरों में रहने वाले भी अब इस बात को समझते हैं कि नहीं, स्पोर्ट्स में करियर बनता है। अगर बेटा खेलना चाहता है, लड़की खेलना चाहती है तो खेलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हेल्थ एडवांटेज, नो डाउट भाई, अगर आप अपने शरीर की कदर नहीं करोगे तो क्या ही खेलोगे। तो स्पोर्ट्स का तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, ये जो नशे के पीछे और बाकी चीजों के पीछे यूथ पागल हो रहा है ना, उसको कोई ना कोई आइकन नजर आता है, उसको समझ में आता है, नहीं यार ऐसी जिंदगी नहीं हो सकती मेरी। आज चाहे जो भी हो, विराट कोहली 0 पे आउट हो जाए, कोई उसके फिटनेस पे सवाल नहीं उठा सकता, कोई यंगस्टर हिम्मत नहीं कर सकता कि ऑनलाइन यूट्यूब पे जाए और विराट कोहली को कुछ हेल्थ के ऊपर कुछ ज्ञान दे दे। भाई साहब उसने अपने आप को बनाया है पूरा का पूरा, और वो चीजें हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलती है इससे, ठीक है। चैनलाइजेशन ऑफ यूथ एनर्जी, देखो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि यूथ एक एटम बम की तरह होता है, देश का युवा ये एक एटम बम की तरह होता है, अगर इसको सही दिशा दिखाई तो ये स्वामी विवेकानंद भी बन के दिखाएगा आपको, लेकिन अगर आपने इसको दिशाहीन कर दिया, भटकने का मौका दिया, तो ये आतंकवादी भी बन जाएगा और ये देश को बर्बाद करने में भी कसर नहीं छोड़ेगा। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, 24 करोड़ युवाओं का देश है वो, और उन युवाओं के पास नौकरी नहीं है, तुम उनको दिशा दे ही नहीं रहे हो। अब आप उनको बाकी की चीजें सुनाओगे, उनको चाहिए फेसबुक, उनको चाहिए गूगल, उनको चाहिए इंस्टाग्राम, उनको चाहिए जॉब, उनको चाहिए इस तरह का नेम फेम सब कुछ। सरकार अगर ये नहीं दे पाएगी तो कहीं ना कहीं वो भटक जाएगा। अजमल आमिर कसाब की अगर आप देखोगे हिस्ट्री, तो अजमल आमिर कसाब जिसने 26/11 का हमला किया था, कैसे बैकग्राउंड से निकल के आता, उसके पापा तो टेलर थे, तो 1.5 लाख रुपए के लिए, 2 लाख रुपए के लिए इतना बड़ा कांड करके रख दिया। आज सोचे तो हमको मजाक लगता है कि अरे यार सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि यूथ को सही दिशा दो तो ही यूथ कमाल करेगा, यूथ भटक गया तो फिर वो किसी काम का नहीं होगा, राइट। इंडिया में इस समय यूथ पॉपुलेशन जबरदस्त है, यूथ का सही एनर्जी ड्रिवन काम इस जगह पर होना चाहिए, सही दिशा में जाएगा तो सही है ना, इसीलिए चैनलाइजेशन ऑफ यूथ एनर्जी, उसकी सारी ऊर्जा सकारात्मक चीजों की तरफ जानी चाहिए।
टैकलिंग न्यूमरस सोसाइटल प्रॉब्लम्स। देखो स्पोर्ट्स अपने आप में खुद से लड़ने वाली बात है, तो जो खुद से लड़ लेता है वो दुनिया से लड़ ही लेता है, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि आप बहुत सारे न्यूमरस चैलेंजेस से अपने आप निकल पाते हो, आपको वो स्थान मिलता है समाज में। रेवेन्यू जनरेशन, वो तो मैं समझा ही रहा था इतने देर से, और प्रमोट्स द स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नो डाउट आज किसी ने ये बोला क्या छत्तीसगढ़ में कि वो मनु भाकर अपने को क्या लेना देना, वो तो छत्तीसगढ़ की है ही नहीं। अरे आपके देश की है भाई, या कैसी बातें कर रहे हो आप। तो यूनिटी आती है एक प्रकार से, जो भी हो अपने देश का है, ओके, खिलाड़ियों के प्रति एक सम्मान आता है, तो ये तो इसके एडवांटेजेस हैं ही। इश्यूज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, अब जो समस्याएं हैं वो क्या है, सबसे पहला है फंडिंग, अभी भी प्रॉपर फंडिंग नहीं है, खिलाड़ियों को अभी भी और पैसा लगेगा। रिसोर्स डेफिसिट, अभी भी प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है। आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में साई बोला जाता है, आप कभी साई हॉस्टल में जाके आइए, दुर्ग में भी मिल जाएगा आपको, रायपुर में भी मिल जाएगा, साई हॉस्टल्स में जाके आइए, तो सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है यार, मतलब बड़े खराब हालत में खिलाड़ियों को खेलना पड़ता है। आपको कभी वक्त मिले तो एक मूवी देख लेना, शाबाश मिट्टू, 1 साल पहले रिलीज हुई ये मूवी, शाबाश मिट्टू, ये मूवी देख लेना बॉलीवुड की, तापसी पन्नू है, और तापसी पन्नू ने इस मूवी में मिताली राज का कैरेक्टर निभाया है। आप जानते हैं मिताली राज कौन है, लड़कियां कौन है, क्रिकेटर, रिटायर हो चुकी हैं, इनको महिला क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर बोला जाता है, इन्होंने 10,000 रन बनाए हैं मिताली राज। उस मूवी में मिताली का संघर्ष दिखाया है। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। सबसे पहला, BCCI केवल पुरुष क्रिकेट टीम को ही संभालता था, वुमेन्स क्रिकेट टीम को BCCI नहीं संभाला करता था, उसके लिए वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन हुआ करता था जिनके पास पैसा ही नहीं था। इट वॉज मिताली जिसने संघर्ष करके लड़ाई करके ये बोला कि अरे हमारी भी कदर करो भाई, BCCI हमारी टीम को क्यों नहीं संभाल सकती, तुम दो ना हमको फंडिंग। तब जाके BCCI ने इनको स्पॉन्सरशिप दी कि आज के बाद महिला क्रिकेट और पुरुष क्रिकेट दोनों हम संभालेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, उस मूवी में एक सीन है जहां पर यानी बड़े बड़े खिलाड़ी एयरपोर्ट से जा रहे हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी पुरुष सारे, ओके, और महिला क्रिकेट टीम भी वहां आई हुई है, इनको कोई नहीं पहचानता है भीड़ में, कोई भी नहीं। और उल्टा किसी एक स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ एक लड़की जाती है, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, मेरे को आपसे एक फोटो खिंचवाना है, और वो मिताली को ही कैमरा पकड़ाती है, बोलती है मैडम 1 मिनट हमारा फोटो ले लेना, पहचान भी नहीं पाई कि मिताली है। तो उस दिन मिताली को समझ में आया यार क्या हैसियत है यार हमारी, मतलब वो स्पोर्ट्स का खिलाड़ी है, वो लड़का है, तो उसको पूछ रहे हैं, हमको तो कोई पहचानता भी नहीं इस भीड़ में, हमारा करियर मैटर भी नहीं करता। और एक और चीज उसमें दिखाई है जहां पर उनके पास साफ सुथरे वॉशरूम भी नहीं होते हैं और उनको लिटरली रोड साइड जाना पड़ता है, वो भी एक दृश्य दिखाया है जहां पर यानी ऐसी हालत, ओके, स्पोर्ट्स खिलाड़ियों की। तो ये जो चीजें हैं ना, क्रिकेट जैसे क्षेत्र में अगर ये हैं तो बाकी क्षेत्रों में तो अभी भी इसमें बहुत कुछ कमाल होना बाकी है। तो ये तो मैं 100% मानता हूं कि रिसोर्स डेफिसिट तो है, इसमें बहुत काम अभी करना पड़ेगा। एटीट्यूडनल बैरियर्स, हमारे यहां लड़कियां बाहर खेलती नहीं, हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं है, सुना है ना ऐसे बुजुर्ग लोग, हां, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम, हम बदलेंगे नहीं, जो बदलेगा उसको मारी डालेंगे। जिस हरियाणा से इतनी लड़कियां निकल रही है उस हरियाणा में ही खाप पंचायत चलती है, पता है आपको खाप पंचायत, कभी गूगल पे सर्च करना। ये लोग समय के हिसाब से बदले ही नहीं, संविधान को ही नहीं मानते हैं। पूरे गांव में अगर एक लड़की ने लव मैरिज कर लिया या प्यार मोहब्बत भी कर लिया, लड़के को बुलाया जाएगा, लड़की को बुलाया जाएगा, जीप से बांध के घसीटा जाएगा और मां बाप को बोला जाएगा चलो इनको पेड़ पे लटकाया, गोली मारिए। यस, दरिंदगी का आलम देख लीजिए, मतलब ये ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो क्या होगा। आई स्टिल रिमेंबर, आज से 3 साल पहले की बात है, मैं मेरे ऑफिस में बैठा था और देर वॉज वन गर्ल, अभी नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, वो आई और कुछ उसको इंग्लिश का डाउट पूछना था, शी केम इन माई कैबिन। अब मेरे कैबिन में ना उन दिनों ऐसे कांच लगे हुए रहते थे तो बाहर से स्पष्ट दिखता था, और वो डाउट पूछते पूछते बैठी और अचानक से फूट फूट के रोना शुरू कर दिया उन्होंने।
तो मैं बोला अरे मैडम थोड़ा कंट्रोल करिए, बाहर बाकी के भी बच्चे बैठे हैं, कुछ अलग लगेगा, क्या हो गया आपको? तो मैंने पानी वानी पिलाया, थोड़ा शांत हुई। फिर वो कहती है, वो एक्चुअली वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना चाहती थी। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो फिर वो कहने लगी, सर मेरे को ना ये सब चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं सीखना है ये इंग्लिश, क्यों सीखूँ मैं इंग्लिश, नहीं सीखना है मुझे। मैंने बोला इट्स ओके, मत सीखो, किसने बोला आपको, बिल्कुल रिलैक्स, क्या मैंने आपको बोला ये सीखो ज़बरदस्ती, रिलैक्स, आपका मन नहीं है ना, आप मत करो। तो फिर शांत हुई, फिर मैंने बोला तो किस में मन है आपका? एंड आई वॉज सरप्राइज, शी सेड मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हूं, मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती हूं, ये मेरे भाई को और मेरे पापा को बर्दाश्त नहीं होता, तो मेरे को डिविजनल लेवल पे भी जाने नहीं देते ये लोग। ये है समस्या, एटीट्यूडनल बैरियर। हमारे यहाँ की बेटी है, खानदानी है, नहीं जाएगी। अब वो एक बहुत बड़े ये अपने जो कंस्ट्रक्शन के जो काम करते हैं ना, उनकी कोई बेटी थी, तो जाहिर है कि मतलब हमारे रेपुटेशन पे आ जाएगा, लड़की ऐसे खेल रही है, ये है वो है, इस तरह की चीज़ें। ये समाज से ये सब बैरियर हटाने पड़ेंगे ना, नहीं तो ये बंधन ही रोक के रख देंगे, राइट। एंड लास्ट, हाई परफॉर्मेंस प्रेशर। परफॉर्मेंस प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, लोगों की उम्मीदें इतनी ज़्यादा होती है कि नहीं हो पाता है, कई बार उस डर के वजह से ही नहीं हो पाता है। जैसे इंडिया में लोग कुछ भी माफ करेंगे, लेकिन फाइनल मैच में क्रिकेट में अगर तुमने कुछ कम ज्यादा किया, लोग माफ नहीं करते हैं, लिटरली नहीं करते हैं। सर पे बिठाएंगे तो बिठा लेंगे, उतारेंगे तो बिल्कुल कपड़े ही फाड़ के रख देंगे। तो हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, गवर्नेंस के इशू है, सरकार के तरफ से एक्सपेंडिचर आना जरूरी है। देखो एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर जो सच में आपको लिखना चाहिए, देयर हैव बीन एलिगेशन ऑफ बायस एंड नेपोटिज्म इन द सिलेक्शन प्रोसीजर स्पेशली अगेंस्ट द लोअर कास्ट। पिछड़ी जाति वाले लोगों को टैलेंटेड होने के बावजूद आगे ना आने देने की प्रवृत्ति, ये भी काफी हद तक रोकती है। आप है ना, Amazon Prime नाम का जो एक सब्सक्रिप्शन आता है वो लीजिएगा, और उसमें एक वेब सीरीज देखिएगा, इनसाइड एज। इनसाइड एज 3 सीजन है उसके। इनसाइड एज में देर इज अ स्पिनर, उसमें वो साफ दिखाया है, जो सत्य घटनाओं पे आधारित है, वो एक फास्ट बॉलर को आगे आने नहीं देता क्योंकि वो सवर्ण जाति का रहता है। वो बोलता है कि तुम कब से हमारी बराबरी करने लग गए, ये इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट सक्सेस इंसेंटिवाइजेशन रादर देन प्री सक्सेस सपोर्ट। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, अरे जीतने के बाद तुम सर पे बिठाते हो, इससे अच्छा जब वो संघर्ष कर रहा है तब जाओ ना, तब कदर करो। पोस्ट सक्सेस इंसेंटिव मतलब सक्सेस मिलने के बाद तुम लेके जा रहे हो तोहफे, उससे अच्छा प्री सक्सेस सपोर्ट करो, जब बेचारा वो संघर्ष कर रहा है तब जाओ पूछने के लिए, ठीक है। एंड लास्ट में एक चीज और है, रिलीजियस बैरियर्स, ये तो आप सबको पता ही है, ओके। मेरी एक स्टूडेंट रही थी, शी इज जैन, शी बिलोंग्स टू जैन फैमिली। अभी उसको IHM होटल मैनेजमेंट से कोर्स करना था और अच्छा शेफ बनना था, तो वहां पर अब नॉनवेज खाना भी पकाना पड़ता है, बस इतना काफी है, जाने ही नहीं दिया घर वालों ने, वहां कैसे जाओगे, मांस मच्छी थोड़ी ना आप काट सकते हो, नहीं अलाउड ही नहीं है। इस तरह के प्रॉब्लम्स स्पोर्ट्स में भी है, स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है। अब रिलीजियस बैरियर में आपको दो चार चीजें बताता हूं, जैसे बाल नहीं कटवा सकते, कल्चरल बैरियर है, लंबे बाल होने ही चाहिए लड़कियों के। फिर हमारे यहाँ नहीं नहीं भाई 25 की हो गई, अब शादी नहीं करेगी तो कब करेगी, आखिर बाद में तो फैमिली संभालना ही है, हो गया करियर दाव पे लग जाएगा। वो जो शाबाश मिट्ठू, मैं जो मूवी की बात कर रहा हूं ना, उस मूवी में एक सीन है, वो जाती है कमरे में सीधा बेडरूम में और अपनी दोनों चोटी अपने हाथ से काट के ले आती कोच के सामने, काट दिया मैंने बाल, इतना चिल्लाते घर वाले, अरे किसको पूछ के किया ये सब। तो ऑब्वियसली संस्कार वैसे है ना, तो वहां पर बहुत बेकार बैरियर जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट, लैक ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर भी ठीक से नहीं है, इसका उदाहरण दे देता हूं। अब इस बात को थोड़ा सा ना समझदारी से लीजिए, आप लोग सब उस उम्र में हैं, इसको आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं।
मान लो कि आपके घर में कोई महिला सदस्य है जो स्विमिंग में बहुत इंटरेस्टेड है और स्विमिंग में करियर बनाना चाहती है। आज स्विमिंग में कोई गोल्ड मेडल लाए तो हमारे लिए वो नेशनल हीरो कहलाएगी। तुम्हारे घर में कोई भी तुम्हारा क्लोज रिलेटिव फीमेल है, वो स्विमिंग करना चाहती है। अब जाहिर सी बात है कि वो स्विमिंग करेगी तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के ही करेगी। आप इसको कितना खुले दिल से एक्सेप्ट करोगे? बस मेरी बात समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा स्पोर्ट्स कल्चर वाला पॉइंट। हम अपनाना ही नहीं चाहते इन सब बातों को। अब आप क्या बोलोगे, घाघरा पहन के स्विमिंग करो, ये तो नहीं करवा सकते। तो जाहिर सी बात है हम वो सोच के ही डर जाएंगे और हम बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये सब तो बिल्कुल नहीं चलेगा, इस घर में बिल्कुल नहीं चलेगा। उससे अच्छा एक काम करो, जाओ कुछ और खेलो, जाओ बैडमिंटन खेलो। अरे पूरा करियर ही बदल देंगे उसका, पूरा करियर बदल देंगे अपनी जिद के आगे। तो स्पोर्ट्स कल्चर वैसा है ही नहीं। ये सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसा कई खेलों में होता है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी गाज महिलाओं पे गिरती है, ये भी सच है, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम। तो इन सब चीजों को अगर ओवरकम किया जाए तो काफी हद तक ठीक होगा। ये जेंडर कॉन्ट्रोवर्सी पता है ना, इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में हुई थी जेंडर कॉन्ट्रोवर्सी। एक लाइन में बता देता हूं, ये है इटली की खिलाड़ी, इनका नाम है एंजेला कैरिनी, और ये है एक अल्जीरिया की खिलाड़ी जिसका नाम है इमानी खलीफ। आरोप ये है कि इन्होंने ट्रांसजेंडर वाला ऑपरेशन करा के पुरुष से महिला बनी है ये। और समस्या ये है कि पुरुष से महिला भले बनी हो लेकिन शारीरिक सुदृढ़ता इनकी, ऑब्वियसली बनावट तो वैसी है ना यार, भगवान ने दोनों शरीर अलग बनाए। अब इस मैडम ने इनको पंच दे दिए रख के, 45 सेकंड के अंदर अंदर धराशायी हो गई है पूरी की पूरी, और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। इसने बोला मैंने जिंदगी में इतने हार्ड पंच नहीं खाए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और बाद में पता चला कि ट्रांसजेंडर का ऑपरेशन हो चुका है, तो ये पुरुष है भाई, उससे लड़ाई करवा दी। मीडिया में बहुत बहस हो गई कि यार पुरुष और महिला की लड़ाई करवा दी आपने, राइट। तो कोई इसको यानी सीरियसली ले रहा है, कोई इसको मजाक मान रहा है, कोई बोल रहा है कि ये गेम के रूल्स के खिलाफ है। अरे उसने ट्रांसजेंडर का ऑपरेशन करा लिया वो और बात है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि भगवान का दिया हुआ शरीर, वो अल्टी पहले तो पुरुष ही थी ना भाई। जेंडर चेंज करा लेने के बावजूद क्या शरीर के मसल्स वगैरह, उसकी मस्कुलाइन पावर थोड़ी कम हो जाएगी? वो अगर अपनी ताकत से लड़ेगी तो वो तो इस पे भारी ही पड़ने वाली है ना, तो ये बराबरी का मुकाबला कहां से हुआ? ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी इस बार। अच्छा, इस चीज के बावजूद मैडम को गोल्ड मिला है, मैडम या सर जो भी है, इनको गोल्ड मिला है, ठीक है। लेकिन अपने यहां विनेश को गोल्ड नहीं मिला। तो लोगों ने यह भी ट्रोलिंग की है कि इसको तुम दे सकते हो गोल्ड और विनेश को तुम सिल्वर भी नहीं दे सकते, उसने क्या बिगाड़ा था, सिर्फ 100 ग्राम वजन तुमको खटक रहा था। तो ये कॉन्ट्रोवर्सी खेल में, खेल के नियमों पर तो मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। सिफान हसन इथियोपिया की, इन्होंने 3 अलग अलग राउंड्स में तीनों में मेडल जीते हैं स्प्रिंट में, ठीक है, ये भी एक रिकॉर्ड रहा। विनेश फोगाट, सारा मामला आपके सामने है। और उसके बाद ये है वो जापान की प्लेयर जो 82 मैचेस हारी नहीं थी, जिसको विनेश ने हराया था। ओके, यस, ये विनेश की उस समय की तस्वीर है जब ब्रिजभूषण पांडे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे, जिनके ऊपर महिलाओं के ऊपर शोषण करने का आरोप लगा था, उनके खिलाफ ये और साक्षी मलिक की प्रदर्शनी रही। उसमें विनेश के ऊपर पुलिस यूज किया जा रहा है, ये उस समय की इमेजेस हैं, ठीक है। बाकी के कुछ इसके साथ, अच्छा वो एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है, ठीक है, यस, सो दैट्स ऑल। ओके, इनकेस अगर आप कुछ इसके ऊपर अपनी व्यू पॉइंट रखना चाहें या कुछ कमेंट करना चाहें, दिस इज माय नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हो।